والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं सारे अहल कुरान? आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफकहू कौली रब्बी जिदना इल्मा रब्बी जिदना इल्मा ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم نفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا معلم ابراهيم علمني يا مفاهم سليمان فاهمني ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. आज हम पारा नंबर 3 का आगाज करने वाले हैं. हम सब इस महफिल में आके बैठे हैं और हम सब की नीयत ये है और हम सब ये चाहते हैं कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह हमें चुन ले और अल्लाह के खास बंदों में हम शामिल हो जाएं। सैयदना अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों में से कुछ अल्लाह वाले होते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इनमें से कौन लोग अल्लाह वाले होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान वाले ही अल्लाह वाले और इसके खास लोग होते हैं. आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकर रुसुलु फद्दलना बादुहुम अला बाद, ये रसूल हैं, हमने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमाई, इनमें से किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंदी अता फरमाई. किस से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया था? हजरत मूसा से. और सबसे ज्यादा फजीलत किसकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, तफरीक बैन रसूल कुफर है, यानी रसूलों में तफरीक करना, फर्क करना, ये कुफर है, जबकि तफजील कुरान से साबित हुई है कि अल्लाह ताला ने रसूल को किसी रसूल पे फजीलत अता की है. अल्लाह ताला ने अपने रसूलों में से हर एक को किसी न किसी पहलू से फजीलत बख्शी है और इस एतबार से वो दूसरों से मुमताज है. चुनाचे जुजवी फजीलतें मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती हैं, अलबत्ता कुल्ली फजीलत तमाम अंबिया और रसूल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है. हम कुरान को मानने वाले हैं, अल्लाह की किताब को मानने वाले हैं, हम तमाम रसूलों के मानने वाले हैं. हम इनमें तफरीक नहीं कर सकते कि ये रसूल ऐसे थे और ये, तमाम रसूल अल्लाह के प्यारे थे, अल्लाह के चुने हुए बंदे थे. लेकिन फजीलत अल्लाह ने किसी को किसी पे दी, क्योंकि हर रसूल को डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट मोजज़ात दिए गए और सबसे ज्यादा फजीलत किसको दी गई? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियां दी और पाकीज़ा रूह से इसकी मदद की. बिरूहिल कुदुस का लफ्ज पहले भी सूरह बकरा में इस्तेमाल हो गया है और ये किसके लिए हुआ था इस्तेमाल?
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए, और अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद वाले आपस में ना लड़ते, जबकि इनके पास खुली निशानियां आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया तो इनमें कोई मोमिन रहा और कोई काफिर हो गया, और अगर अल्लाह चाहता तो वो ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। अल्लाह सुभान व तआला हर चीज करने का इख्तियार रखता है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो बहुत से प्रोपोगंडे उठे, बहुत से सवाल उठाए गए, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, क्या तुमने इससे पहले आदम की तखलीक पे गौर नहीं किया, इनके तो वालिद नहीं थे, आदम का तो ना माँ था ना बाप, लेकिन उसको हमने तखलीक किया, तो कैसे तुम सवालात उठा सकते हो और कैसे तुम राह से भटक सकते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, ए ईमान वालों हमारे दिए हुए रिस्क में से अल्लाह की राह में इस दिन के आने से पहले खर्च कर लो, जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना काफिरों के लिए दोस्ती और ना शिफात होगी, और काफिर ही जालिम हैं। हम माल कमाते हैं और माल कमाना बहुत जरूरी है दुनिया में सरवाइव करने के लिए, उस माल में से अल्लाह ताला ने बार बार हमें कहा है कि खर्च करो, और फिर पीछे आपने देखा ये भी पूछा गया कि क्या खर्च करें, तो क्या कहा कि सरप्लस वैल्यू, जितना एक्सेस है, जितना ज्यादा है, उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। लेकिन मुसलमानों ने अपना शिवा क्या बना लिया कि कमाया एक्स्ट्रा को क्या किया, अपने लिए ही इन्वेस्ट किया, अपनी या नस्लों के लिए इन्वेस्ट किया, और कहा हमने तो बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली है। अगर हमने बड़ी प्रॉपर्टीज बना भी ली तो क्या हमारी आखिरत में काम आएंगी, नहीं। और यही बात अल्लाह ने हमें इस आयत में बताई है कि तुम जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज बना लोगे, तुम बिलियनर भी बन जाओगे, तुम बिल गेट बन जाओगे, या तुम ऐसे बन जाओगे कि दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगी। काम क्या आएगा, वो माल जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, आप किसी भी दीनी काम में उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, कोई बच्चा अगर दीन की तालीम हासिल कर रहा है तो उसको जरूर आप फैसिलिटेट करें। क्यों? क्योंकि फॉर एवर आपके लिए सबका जारिया बन जाएगा। एक तो ये है कि उसके लिए आसानी हो जाएगी, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास जराए नहीं है बेहतर तालीम हासिल करने के लिए। कुछ को तो मैं रिसेंटली मिली हूँ, वो इतने ब्रिलियंट हैं कि वो माशाल्लाह हाफिज भी है, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आलिम बन सके, उनकी ख्वाहिशात हैं। तो उन लोगों को चुने जिनके अंदर ख्वाहिश मौजूद हो, फिर उनको सपोर्ट करें, तो फॉरएवर आपका माल क्या हो जाएगा, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। दूसरी बात, अपने रिश्तेदारों पे, अल्लाह के प्यारे लोगों पे जरूर खर्च करें। सबसे पहला हक, हम पता है क्या करते हैं, जब माल के खर्च की बात आती है तो बहुत सी एसोसिएशंस को हम दे देते हैं, वो भी बिल्कुल सही है, देना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो हमारा रिश्तेदार फाके से है या जो के डिप्राइव्ड है फैसिलिटी से, हम उसको भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा है, घर से इब्तिदा करो, अपने पास से इब्तिदा करो। सबसे पहले अपने क्लोज सर्कल में देखें कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हकीकतन जरूरत है। उसके बाद तस्दीक करें, तस्दीक करना बहुत जरूरी है, और ये वो अमल है जो आजकल की जनरेशन में लैक करता है। हमें किसी ने कह दिया हाँ हमने दे दिया, हम तस्दीक नहीं करते। अल्लाह सहरबाजी को जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो जाती थी लोगों के घर, सर्वे करती थी, देखती थी क्या क्या चीजें हैं जो जरूरत की उसके पास हैं और क्या नहीं है, और फिर वो हेल्प करती थी। तो जरूर इस चीज को अपनाएं कि हेल्प करनी है लेकिन तस्दीक करनी है। बहुत से लोगों को ऐसे देखा गया कि उनको जरूरत नहीं होती, जरूरत उनको होती है लग्जरी के लिए, ऐश के लिए, जरूरतें उनकी पूरी होती हैं। कहाँ पे देना है, जहां पे जरूरियात जिंदगी ही मुयस्सर नहीं है। तो वो माल जो अल्लाह के लिए आपने दे दिया वो हमेशा के लिए आपके काम आएगा। ये ना हो कि आपका आखिरी वक्त और आप सोचते ही रह जाए और वहीं पे आपकी जान निकल जाए, उस दिन कोई खरीदो फरोख्त काम नहीं आएगी। जो माल हमने समेट समेट के रखा है, हम अल्लाह को देख के अपने आप को नहीं छुड़वा सकते, ना काफिरों के लिए दोस्ती काम आएगी और ना शिफात होगी, और काफिर ही जालिम है। हर वो इंसान जो अल्लाह की आयात का इनकार करता है, अल्लाह के हुक्मों का इनकार करता है, वो क्या है, काफिर, चाहे वो मुंह कहावा मुसलमान ही क्यों ना हो। आगे जो आयत आ रही है, इसको आयतुल कुर्सी आम इस्तलाह में हम कहते हैं। ये वो आयत है जो तमाम पुरानी आयात की सरदार कहलाई जाती है। इसमें 25 अस्माओ सिफात अल्लाह सुभान व तआला की गिनवाई गई हैं।
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शय की एक चोटी होती है और यकीनन कुरान हकीम की चोटी बकरा है। इसमें एक आयत है जो आयत कुरानी की सरदार है, ये आयत आयतुल कुर्सी है। और अगर आपसे कोई भी न्यू मुस्लिम या ऐसा बंदा जो कि मुसलमान नहीं है आपसे पूछता है तुम्हारा अल्लाह कौन है, हु इज अल्लाह, अल्लाह कैसा है, तो आप इस आयत को पेश कर सकते हैं। ये तौहीद इलाही का खजाना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो खुद जिंदा है, दूसरों को कायम रखने वाला है, उसे ना ऊंग आती है ना नींद, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब इसी का है, कौन है जो इसके यहाँ इसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे, वो जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे है, और लोग इसके इल्म में इतना ही हासिल कर सकते हैं जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी आसमान और जमीन को अपनी वुसत में लिए हुए है और इनकी हिफाजत इसे थका नहीं सकती, और वो ही बुलंद शान वाला अजमत वाला है। अगर पहली ही आयत को देखा जाए तो इसमें अल्लाह ताला के कितने नाम आ रहे हैं, अल्लाहु इलाहा अलहई अलकयूम, कितनी सिफात आ की हमेशा से। अल्लाह कौन है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अपने नफ्स की इबादत नहीं करूंगी, मैं लोगों की इबादत नहीं करूंगी, मैं लोग क्या कहेंगे सो कॉल्ड सोशल प्रेशर की इबादत नहीं करूंगी, अल्लाह है जो सिर्फ माबूद है, जो कि इबादत के लायक है। कौन है, अलहयू, जो हमेशा से हयात है। जब ये दुनिया नहीं थी तो कौन था, अल्लाह, जब ये दुनिया नहीं होगी तो कौन होगा, अल्लाह। कयूम, कायम रखने वाला, उसने इस दुनिया का निजाम और अब सब कुछ हमेशा से कायम रखा हुआ है। अगर हम एक दिन ना सोएं तो हमारी क्या हालत हो जाती, हम अजीब गरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, और अल्लाह सुबहान तआला की आप पावर फील करें। इससे मुझे अल्लाह की पावर का यकीन आता है, कितनी सुप्रीम अथॉरिटी है कि ना उससे नींद आती है और ना ऊंग आती है। हम तो 2 सेकंड फारिग बैठते हैं तो हम ऐसी ऊंगे लेना शुरू करते हैं, अगले बंदे को भी नींद आ जाती है। तो अल्लाह ताला कितना सुप्रीम है, ना उसे ऊंग आती है ना नींद, और उसके हम किसी की सुपीरियोरिटी या स्टेटस कैसे देखते हैं कि उसके पास कितना माल है। आजकल का मुसलमान तो यही देखते हैं ना, अल्लाह सुभान व तआला जो है उस कैसे सुपीरियर है, जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीन में है किसका है, हमारे अल्लाह का। कौन है जो इसके यहाँ इसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे, ये तमाम उन लोगों के लिए दलील है जो अल्लाह के बगैर और सहारों को तलाश करते हैं, जो बाबाओं के पास पीरों के पास और डिफरेंट आस्थानों पे जाके मांगते हैं। अल्लाह की अगर इजाजत नहीं होगी तो किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। अगर हम कॉमन एग्जाम्पल से देखें, एक पेपर चेक कराओ तो पेपर चेक हो गया तो 39 नंबर से पासिंग मार्क्स थे 40, तो चलो 38 भी थे, तो टीचर कहेगी अच्छा, अब अगर कोई सिफारिश करे तो टीचर कहेगी अच्छा हाँ 2 नंबर कम है कबूल कर लेते हैं, और टीचर की इजाजत होगी तभी वो कबूल की जाएगी। हम आज कहते हैं अल्लाह ताला हमें ऐसे ही माफ कर देगा, वो रहमान है वो रहीम है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो रहमान है रहीम है, उसमें रहम का मादा सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके लिए हमें खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी। और एक हकीकी मुसलमान 2 चीजों से बनता है, और वो 2 चीजें क्या हैं, ईमान और अमले सौले, ये गिरा बांध ले, इसके अलावा कोई हसब कोई नसब हमारे काम नहीं आएगा। जो कुछ आगे है और जो कुछ पीछे है, जो कुछ हो चुका है उसका इल्म किसको है, अल्लाह को, और जो होने वाला है फ्यूचर का इल्म किसको है, अल्लाह को। और ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले जितने हॉरर्स को बताने वाले हैं उनकी भी नफी करता है, मुसलमानों को जेब नहीं देता कि वो किसी और के जाके जाके उसे कहें कि मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करो, क्योंकि असल गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला के पास है, और लोग इसके इल्म में से इतना ही हासिल कर सकते हैं जितना वो चाहे। मैं उतना ही जान सकती हूँ, मेरी जबान से उतना ही निकल सकता है जितना अल्लाह चाहता है, अगर अल्लाह ना चाहे तो मेरी यहीं पे आवाज बंद हो जाए और एक लफ्ज भी ना निकले। हमें ये आयत क्या बताती है, कोई चीज में भी अगर आपको अल्लाह ताला ने एक दे दिया ना एक पोजीशन, आप गुरूर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको वो ही मिला है, आपको आप डिजर्व नहीं करते थे, कि हम कहते ना डिजर्व करते थे हमें ये मिला है, हम डिजर्व नहीं करते थे, ये अल्लाह का फजल था। तो जितना इल्म अगर किसी के पास है तो वो अल्लाह के फजल से है, उसके कर्म से है। इब्लीसियत में और इंसानियत में क्या फर्क है,
जी जो इबलीस था उसे गुरूर था, तकब्बुर था, और वो हर धर्मों की तरह डट गया था, उसने अल्लाह से तोबा नहीं की थी। और इंसान क्या करता है, गलती उससे हो जाती है लेकिन वो तोबा कर लेता है। इसी की कुर्सी आसमान और जमीन को अपनी वुसअत में लिए हुए है। अब यहाँ पे कुर्सी के दो मफहूम हो सकते हैं, एक तो ये कि इसका इक्तदार और उसकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा है कि पूरी कायनात पे हावी है। दूसरा मफहूम जो मुफस्सरीन ने लिया है कि हो सकता है कि फिजिकली कोई एक कुर्सी ऐसी हो जिसने तमाम जो है दुनिया उसको घेरा हुआ है, आसमान और जमीन को अपनी वुसअत में लिए हुए है और इनकी हिफाजत इसे थकात नहीं सकती। 2 घंटे किसी चीज की हिफाजत करनी पड़ जाए ना तो बंदा थक जाता है। जो वॉचमैन होता है ना उसको भी रात को या किसी टाइम नींद की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है और थकता नहीं है और हर वक्त हमें देख रहा है। इंसान को सिर्फ एक चीज मुत्तकी बना सकती है, तकवा ला सकती है, क्या कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। किसी जगह जाए ना और लिखा हो कैमरे की आंख आपको देख रही है तो इंसान कॉन्शियस हो जाता है, तमीज से बैठता है, अपने एडिकेट्स भी फॉलो करता है, और जैसे ही कैमरा गायब तो इंसान अपनी असलियत पे आ जाता है और हम उस कैमरे को भूल गए जो हर वक्त हमें देख रहा है। तो अल्लाह ताला कौन है जो सबसे ज्यादा हिफाजत करने वाला है, और वो ही बुलंद शान वाला और अजमत वाला है। अगली जो आयत है इसको जरा गौर से देखिएगा, ये वो आयत है जो बहुत ही मिस इंटरप्रेट की जाती है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इसका एक मानी ये है कि किसी को आप जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करा सकते, इस्लाम इसकी कतन कतन इजाजत नहीं देता कि जबरन या आपको गन पॉइंट पे कहें कि मुसलमान वो हो गई, और इसकी इजाजत हमें नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, आजकल की नस्ल जब इन्हें कहा जाता है कि फिलहाल कोई भी शरीयत का अमल जो उनकी मर्जी और नफ्स के खिलाफ है इसको फॉलो करें, तो क्या कहते हैं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, आप क्या मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। बिल्कुल दीन में जबरदस्ती नहीं है, कब तक नहीं है, जब तक आपने कलमा नहीं पढ़ा, जब तक आपने नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब आपने कह दिया फिर तो तमाम शरीयत के अहकाम आप पे लागू हो जाते हैं। तो इसमें बहुत क्लियरिटी रखिएगा, बेशक हिदायत की राह गुमराही से खूब जुदा होती है। बहुत कॉमन एक जुमला सुना जाता है आजकल के दौर में, हम दीन और दुनिया दोनों रखते हैं, या दीन और दुनिया दोनों रखो। दोनों को कैसे रखो, दीन और दुनिया हम दोनों ऐसे रखते हैं कि हम मेहंदियों में भी जाते हैं, हम कॉन्सर्ट्स में भी जाते हैं, हम बेपर्दा होके बाजारों में भी जाते हैं, क्योंकि आजकल का कल्चर ये है कि दीन और दुनिया नहीं रखना है। सीधी राह और गलत राह को अल्लाह ताला ने स्ट्रेट बता दिया है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। बीच में कौन आ जाता है, मुनाफिक। एक मुसलमान है एक काफिर है, बीच में क्या आ गया, बन गया मुनाफिक। मैं नमाज पढ़ रही हूँ, रोजे रख रही हूँ, नफली इबादत कर रही हूँ, धड़ाधड़ कर रही हूँ, अपनी तरफ से मैं मुत्तकी तकवा के एक्सट्रीम लेवल पे हूँ, लेकिन मैं बहुत सी ऐसी चीजें जो शरीयत में जो मुझे भारी लगती है मैं उनको फॉलो नहीं कर रही। तो मैंने क्या किया, मैंने बीच का रास्ता इख्तियार किया, सबीलुल रुश्त पे, सबीलुल गई को मैंने फजीलत दे दी। तो जो शैतान को ना माने और अल्लाह पर ईमान लाए, इसने बड़ा मजबूत सहारा थाम लिया, सहारे को कभी खुलना नहीं, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। पूरी जिंदगी जो मेरी गुजरी है हम सहारे ढूंढते रहते हैं, रिश्तों के सहारे, चीजों के सहारे, कि शायद वो चीजें हमें कुछ बना दे, लेकिन असल सहारा किसका है। और जब वो सहारा अल्लाह ताला दे देता है तो किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो किसको नहीं मानते, शैतान को। अब ये लिटरल मीनिंग में भी आ सकता है कि शैतान को वैसे नहीं मानते, लेकिन शैतान की भी नहीं मानते, शैतान के रास्ते पे नहीं चलते। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीन आमनू, अल्लाह मुसलमानों का वाली है, इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, और जो काफिर हैं इनके हिमायती शैतान हैं, वो इन्हें नूर से अंधेरों की तरफ निकालते हैं, यही लोग दोजख वाले हैं, ये हमेशा इसमें रहेंगे। एक बात गौर करिएगा कि कुरान में हमेशा नूर जो है वो वाहिद आया है, नूर सिराते मुस्तकीम, अल्लाह का रास्ता एक ही है, और जो जुलुमात है वो प्लूलर आया है, क्योंकि उसके बहुत से रास्ते हैं, शैतान डिफरेंट तरीकों से आप पे हमला करता है। तो अल्लाह सुबहान तआला क्या कह रहे हैं,
अगर तुम हकीकी मुसलमान बन जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या बन गया? वाली। जब जिसका वाली अल्लाह हो तो उसको किसी की भी और जरूरत है, और शैतान के वाली क्या करेंगे, शैतान के दोस्त क्या करेंगे, शैतान के रास्तों पे चलेंगे और फिर उसकी उसकी क्या करेंगे, उसको पब्लिसाइज करेंगे, और पब्लिसाइज करते हुए शर्म भी महसूस नहीं करेंगे, और फिर क्या होगा, यही लोग जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। ए हबीब, क्या तुमने इसको ना देखा था जिसने इब्राहिम से इसके रब के बारे में इस बिना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने इसे बादशाही दी। यहां से हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। बाबुल जो आजकल इराक के नाम से मशहूर है, उधर के जो भी बादशाह होता था, बादशाह ऑफ द टाइम था, उसको नमरूद कहते थे। ये क्लियर कर ले कि नमरूद एक टाइटल था, नमरूद किसी शख्स का नाम नहीं है। जैसे मिस्र में जो बादशाह थे उन्हें क्या कहते थे, फिरौन, इसी तरह इराक के बादशाहों को क्या कहते थे, नमरूद। तो हजरत इब्राहिम की पैदाइश उर्द में हुई थी जो बाबुल का शहर था। फिरौन और नमरूद जो थे, फिरौन जो था और नमरूद दोनों का एक ही दावा था, और वो क्या था कि मैं खुदा हूँ, अना रब्बुकुम, मैं खुदा हूँ। दर हकीकत वो खुदा क्यों बनना चाहते थे, ताकि वो सियासी और माशरती कंट्रोल हासिल कर ले। कोई इंसान भी जो किसी लेवल का भी कंट्रोल में कहे कि मेरा सारा कंट्रोल सुप्रीम मेरे पास है, वो सही कह रहे हैं, वो शिर्क में चला जाता है। क्योंकि सुप्रीम कंट्रोल किसके पास है, जो अल्लाह के बंदे हैं वो कहते हैं मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन अल्लाह की तौफीक से, उसकी मदद से, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं। लेकिन जो शैतानियत में चले गए, जो गैर अल्लाह की बातों में चले गए, और जो खुद जिसने कह दिया अना रब्बुकुम, तो वो क्या कहते हैं कि मैं ही खुदा हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। यहाँ पे नमरूद की बात हो रही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। ए हबीब, क्या तुमने इसको ना देखा था जिसने इब्राहिम से इसके रब के बारे में इस बिना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने इसे बादशाही दी है। क्यों लड़े? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। आज अगर देखिए मौजूदा पाकिस्तान में जो हालात हैं, सीट के पीछे क्या क्या गलत काम हो रहे हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ भी नमरूद और फिरौन बैठे हुए जो क्या कह रहे हैं, अना रब्बुकुम, हम ही रब हैं, ना खुदा खौफी है, ना ही उन्हें इस बात का एहसास है कि वो क्या कर रहे हैं। हम नमरूद और फिरौन को आज का दौर इतना फितनों का आ गया कि हम उनको अपने सामने देख रहे हैं। जब इब्राहिम ने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, इसने कहा मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। इसने क्या किया, दो उसने बुलाए कैदियों को, और एक को जिंदगी दे दी, रिहा कर दिया, और एक को मार दिया, और कहा मैं भी जिंदगी देता हूँ और मैं भी मौत देता हूँ। अब इब्राहिम को पता चल गया कि ये तो बड़ा ढीठ है, ये ऐसे नहीं मानेगा, तो इसके लिए कोई हमें अच्छी दलील का इंतजाम करना पड़ेगा। जब भी नबियों और रसूलों को ऐसे किसी भी मिशन पे भेजा जाता था, जैसे मूसा को भेजा गया फिरौन के सामने और इधर, तो वो क्या करते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह हमसे ऐसा काम करा ले जिससे बात इनको समझ आते, जिससे बात लोगों के लिए क्लियर हो जाए। और दोनों में एक और सिमिलैरिटी ये कि दरबार लगता था, उसमें बहुत से लोग होते थे, तो वो कहते थे कि हम लोगों के सामने जब एक्सपोज करेंगे तो हमारी बादशाहत और प्रोमिनेंट होगी। लेकिन अल्लाह क्या करता था, अल्लाह ऐसा कुछ करवा देता था, लोगों को यकीन आ जाता था कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात बिल्कुल सही नहीं है। तो इब्राहिम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, बस तू इसे मगरिब से ले आ, तो इस काफिर के होश उड़ गए। वो चीजें तो वो कर दी उसने, लेकिन उन्होंने कहा सूरज को मशरिक से लाता है तो मगरिब से ले आ, तो इसके होश उड़ गए, और कहते हैं ये बिल्कुल चुप हो गया। अब इसके चुप होने में ये नहीं था कि वो राह याब हो गया या उसको हिदायत मिल गई, बल्कि वो इसलिए चुप हो गया क्योंकि उसको समझ ही नहीं आई कि अब मैं क्या करूं, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। आगे अगर देखें तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया आ रहा है, जिनका हम आगे जिक्र पढ़ेंगे। उजैर जो थे यरूशलम शहर से गुजरा जो तबाह और बर्बाद हो चुका था। इराक के बादशाह बुख्तनसर ने फलस्तीन पर हमला किया था और यरूशलम को तबाह और बर्बाद कर दिया था। आज हमें फलस्तीन के मुसलमानों को हम देखते हैं, इतनी तबाही देखते हैं, इतना रोना आता है, दिल बुरा होता है, समझ नहीं आती, लेकिन ये तबाही पहली दफा नहीं हो रही, ये तबाही पहले भी हो चुकी है। बुख्तनसर ने फलस्तीन पर हमला किया था और यरूशलम को तबाह और बर्बाद कर दिया था। 12 लाख के शहर को इसने बर्बाद कर दिया था। 6 लाख लोग उसने कत्ल कर दिए थे और 6 लाख को भेड़ बकरियों की तरह उसने कैप्टिव बना लिया था।
जिसको उन्होंने 150 बरस तक कैदी बनाए रखा था और उसने ईंट से ईंट बजा दी थी। तो इस शहर से जब हजरत उज़ैर गुजरे तो उन्होंने क्या कहा, क्या तुमने इस शख्स को ना देखा, या किसकी बात हो रही है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, क्या तुमने इस शख्स को ना देखा जिसका एक बस्ती पर गुजर हुआ, और कौन सी बस्ती थी, फलस्तीन की, जिसको किसने तबाह किया था, बुख्तनसर ने। क्या तुमने इस शख्स को ना देखा जिस पर एक बस्ती पर गुजर हुआ और वो बस्ती अपनी छतों के बल गिरी पड़ी थी, इतनी बुरी हालत थी। तो इस शख्स ने कहा, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसा जिंदा करेगा। जो नबी होते थे ना, जो पैगंबर होते थे, वो शक नहीं करते थे, वो सोचते थे। तो यहाँ जो स्टाइल है वो शक का नहीं है, वो सोच का है, कितनी तबाही होगी, अल्लाह इन्हें कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने इसे 100 साल मौत की हालत में रखा, फिर इसे जिंदा किया। फिर इस शख्स ने फरमाया, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो। इसने अर्ज किया, मैं एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम वक्त ठहरा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि तू यहाँ 100 साल ठहरा है, और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बदबूदार नहीं हुआ। 2 दिन तक भी खाना पड़ा रहना तो इतनी गंदी स्मेल आती है कि खड़ा नहीं हो जाता, और 100 साल तक खाना और पानी पड़ा रहा और बिल्कुल फ्रेश रहा, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियां तक सलामत नहीं रही। खाना और पानी उनका फ्रेश रहा और गधा जो था वो मर गया, गल सड़ गया, और उसकी हड्डियां भी सलामत नहीं रही। और ये सब इसलिए किया गया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें, और इन हड्डियों को देखकर हम कैसे इन्हें उठाते जिंदा करते हैं, फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। तो जब ये मामला इस पर जाहिर हो गया तो वो बोल उठा, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। किसी को पता है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कौन थे? अगर देखा जाए तो यहूदियों में, कुछ यहूदियों का अकीदा क्या है कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये उनकी बात हो रही है कि जब 100 साल तक उनको सुला दिया गया और फिर जब दोबारा जिंदा किया गया तो लोगों ने उन्हें क्या बना लिया, खुदा ना खासा अल्लाह का बेटा। तो ये उनकी बात हो रही है कि ये वो उज़ैर हैं जिनको 100 साल तक सुलाया गया, लेकिन ये उनको सिर्फ एक मौजजा दिखाया गया था। आगे देखें, फिर से इब्राहिम की बात हो रही है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी पूछा था अल्लाह ताला से कि कैसे जिंदा करेगा। तो ये शक नहीं था, ये क्या कहते हैं, एक उनको बहुत कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी थी कि कैसे करेगा। तो ये वो स्टाइल है। और जब इब्राहिम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, तू मुझे दिखा दे कि मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा, अल्लाह ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं। इब्राहिम ने अर्ज की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। यानी यकीन है मुझे, अल्लाह ताला यकीन है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे दिल को करार आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, तू परिंदों में से कोई 4 परिंदे पकड़ लो, फिर इन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर इन सब का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे, और जान रखो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये बातें अल्लाह ताला हमें क्यों बताए, ताकि हमारा ईमान बिल आखरा मजबूत हो जाए। क़यामत का एक दिन ऐसा आएगा, मैं, आप, हम सब, हमारे अबाओ अजदाद, हमारी नानी पर नानी और उनकी भी नानी एक ही मैदान में खड़े होंगे। एक सेकंड के लिए बंदा सोच ले कि जो करतूत मैं आज इस दुनिया में कर रहा हूं, क्या मैं इस काबिल होऊंगा कि उस टाइम अल्लाह के हजूर हाजिर हो जाऊं। पूरी दुनिया के सामने जो सीक्रेटली गलत काम मैं कर रहा हूं वो सब एक्सपोज कर दिए जाएंगे। यकीन जाने इतना खौफदारी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और गलत काम की तरफ तो आपकी सोच भी नहीं जाएगी। अब उन लोगों की मिसाल दी जा रही है जो माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इस आयत से पहले जरा देखिएगा, माल के खर्च को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक है मद इब्नाए नू, यानी अल्लाह ताला के लोगों पे खर्च करना। कौन? रिश्तेदार, कराबादार, मोहताज, यतीम, मस्कीन, कुर्बा, इनमें जो माल खर्च किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है? सदका, खैरात और जकात। ठीक है, दूसरी फॉर्म क्या है? दूसरी मद है ऐन अल्लाह के लिए खर्च करना। और इसमें क्या चीजें हैं? दीन की दावत के लिए खर्च करना, पैगाम के लिए खर्च करना, नशरो अशात के लिए खर्च करना। तो जो एक एक पैनी हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, और इसमें एक और चीज वो भी आती है कि अपनी जान को
अपने वक्त को, अपनी जवानी को अल्लाह की राह में खर्च करना, तो अल्लाह ताला उनकी बता रहा है कि उनके साथ अल्लाह ताला क्या मामला करेगा। अल्लाह कहता है इन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं इस दाने की तरह है जिसकी 7 बालियां उगाई, हर बाली में 100 दाने हैं और अल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़ाए जिनकी जिसके लिए चाहे और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। अगर कोई कहे ना एक ऐसी स्कीम आई है कि तुम उसको ना 1 रुपया दोगे और तुम्हें 100 रुपया मिलेगा और फिर 700 रुपये मिलेंगे, हम सारे दौड़े नहीं जाएंगे, हम कहेंगे हमें कैश करना है। जो माल हमने अपने ऊपर लगा दिया जरूर लगाएं, खत्म हो गया। जो हमने अल्लाह की राह में लगा दिया वो कयामत तक डबल ट्रिपल बल्कि उससे भी ज्यादा होता जाएगा। तो अल्लाह की राह में जरूर खर्च करें। क्या खर्च करें ये आपने खुद सोचना है कि मैं कितना कमा रही हूँ, उसमें से कितना हिस्सा ये और उसमें से मैं क्या दे सकती हूँ। और ये मत सोचें कम दे रही हूँ या ज्यादा। उस वक्त को याद करें कि जब इतने सामान के ढेर पे जब किसी सहाबी ने चंद खजूरें लाके रख दी थी तो वो चंद खजूरें तमाम माल से भारी थी। अल्लाह ये नहीं देखता क्या दे रहा है, अल्लाह देखता है कि किस वक्त और किस तरह से दे रहा है और किस नियत से दे रहा है। अल्लज़ीना युन्फिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाही, वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर अपने खर्च करने के बाद एहसान जताते हैं। अब ये बात नोट करिएगा कि माल तो हम खर्च करते हैं, हमने माल को खर्च कर दिया, लेकिन खर्च करने के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने करनी है, हमने जताना नहीं है। अगर किसी ने माल खर्च कर दिया और जताया भी और तकलीफ देते हैं, आप किसी ने माल खर्च कर दिया बड़ा वो बना पाक साफ, उसने कहा जी मैं खर्च कर देता हूँ, खर्च करने के बाद शैतान ने गलबा कर दिया, उसने क्या किया फिर अपने माल खर्च करने के बाद उसने खर्च किया और फिर उसके बाद ना एहसान जताए और ना तकलीफ दी। तकलीफ कैसे देते हैं, अपने तानों से, अपनी बातों से। याद है वो वक्त जब मैंने दिया था, याद है वो वक्त जब मैंने किया था, और बार बार जता जता के अपनी नेकियों को भी जाया कर देते हैं। अगर आपने किसी को दे दिया है, कुछ हेल्प कर दिया है, सबसे पहले ये याद रखें आपने जो माल दिया क्या वो आपका था, किसका था वो माल, किसने आपको दिया, तो आपने अल्लाह की चीज से निकाल के किसी को दिया, आपने किसी पे एहसान किया नहीं, ये तो फीक अल्लाह ने आपको दी कि आपके हाथ से अल्लाह ने किसी को दिलवा दिया। तो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर अपने खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं ना तकलीफ देते हैं, इनका इनाम इनके रब के पास है और इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सबसे बड़ा इनाम मैं कहती हूँ ईमान और हिदायत है। उसके बाद क्या है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अल्लाह उनके दिल से खौफ और गम निकाल देते हैं, उनमें इतनी सब्र और कनात आती है, हर हाल में वो खुश रहते हैं। आगे एक बात आ रही है जो हम तमाम मुसलमानों के लिए स्पेशली यंग नस्ल के लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कौलुम मारूफुन, अच्छी बात कहना। आज जो स्लैंग लैंग्वेज शुरू हो गई है, आज जो गंदी जबान शुरू हो गई है, मोमिन ऐसा नहीं होता, मुसलमान को जेब नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के दीन के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमारी जबान हमारा किरदार गंदा होगा तो लोग हमें गंदा नहीं कहेंगे, कहेंगे ये दीन ही ऐसा है। और आजकल ऐसा है कि नहीं, मुसलमानों का इंप्रेशन क्या बन गया, ये झूठ बोलते हैं या वादा खिलाफी करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, कौलुम मारूफुन, अच्छी बात कहना, व मग़फिरतुन खैरुन, और माफ कर देना, और खैरात इस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो और अल्लाह बेपरवाह हिल्म वाला है। अच्छी बात कहना और माफ कर देना। और कुरान का मतलूब इंसान कैसा होता है, जो अच्छी बात कहता है और माफ कर देता है, और ये दोनों चीजें इस खैरात से बेहतर हैं जिसके बाद सताया जाए यानी ताना दिए जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप लोगों से अल्लाह ताला कह रहे हैं ए ईमान वालों, एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदके बर्बाद ना करो। अगर किसी ने सदका दिया उसके बाद एहसान जताया और तकलीफ पहुंचाई, हम क्या कहते हैं, हमने तो सिर्फ कहा था, हमने ऐसा तो नहीं कहा था, हमारा ये मतलब नहीं था, आपने कहा ही क्यों? क्योंकि जो ले रहा होता है ना वो वैसे ही अंदर से शर्मिंदा होता है, वो वैसे ही अंदर से बहुत सेंसिटिव हुआ होता है, तो आपकी एक जरा सी बात जो है ना वो उसके दिल पे जाके लगेगी। तो क्या कह रहे हैं, ए ईमान वालों, एहसान जताकर तकलीफ पहुंचाकर अपने सदकात बर्बाद ना करो। अगर हमने ये दोनों काम किए तो हमारे सदके बर्बाद हो जाएंगे।
और अब आगे मिसाल दी जा रही है उस शख्स की जो रियाकार हो। रियाकारी क्या होती है? दिखाने के लिए। नियत कोई नहीं अल्लाह को राजी करने के लिए, नियत ये नहीं है कि एक्चुअली किसी की हेल्प की जाए, बस दिखाने के लिए। इस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह और कयामत पर ईमान नहीं लाता, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिकना पत्थर हो जिस पर मिट्टी है, तो इस पर जोरदार बारिश पड़ी है जिसने इसे साफ पत्थर को जिसने इसे साफ पत्थर कर छोड़ा। ऐसे लोग अपने कमाए हुए अमाल से किसी चीज पर कुदरत ना पाएंगे। हमें खुद परस्ती की इतनी आदत हो गई कि हम खुदा परस्ती को भूल गए। हमने नेकियां भी की तो लोगों को दिखाने के लिए, अपनी वाह वाह करने के लिए। और अगर कोई भी नेकी इस क्राइटेरिया या इस नियत से की जाएगी तो वो ऐसी है कि जैसे एक चिकनी पत्थर है उस पर आपने मिट्टी डाल दी, लेकिन जैसे ही पानी पड़ा वो गिर गई, उसमें बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, वो मजबूत नहीं होगी, वो रहेगी नहीं, बल्कि वो बर्बाद हो जाएगी। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। आगे जो मिसाल दी जा रही है वो उस इंसान की मिसाल है जो कुरान का मतलूब इंसान है, और जो लोग अपने माल अल्लाह की खुशनूदी चाहने के लिए और अपने दिलों को साबित कदम रखने के लिए खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने के बड़े इनाम है। क्या? एक तो ये कि अल्लाह की खुशी मिल गई, अल्लाह राजी हो गया, दूसरा आपका दिल दीन पे साबित कदम हो जाएगा। हम कहते हैं ना, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को जोड़ने वाले बनाने वाले हमारे दिल को दीन पे साबित कदम कर दे। तो साबित कदमी कैसे आएगी? कि हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि वो माल जो मुझे दिल से अजीज था मैंने उसको अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। इनकी मिसाल इस बाग की सी है जो किसी ऊंची जमीन पर हो, इस पर जोरदार बारिश पड़ी तो वो बाग दूना फल लाया, फिर अगर जोरदार बारिश ना पड़े तो हल्की सी फुहार ही काफी है और अल्लाह तुम्हारे काम देख लेता है। बड़ी बड़ी नेकियां करने के शौक में छोटी छोटी नेकियों को जाया नहीं करना चाहिए। आज मैं कहूं कि हज और उमरे के लिए कौन जाएगा, सबके हाथ ऐसे खड़े हो जाएंगे, और आज मैं कहूं कौन अपने गरीब बहन भाई के लिए बेहतरीन इंतजाम करेगा, उसको राहत बख्शेगा, कम से कम दो तसल्ली के बोल ही बोल देगा, तो इस काम में हम आगे नहीं बढ़ते। जो नेकी का काम उसको छोटा ना जाने। कहते हैं ना, एक औरत को, एक तवायफ को कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने बख्श दिया। क्या पता आपकी वो नेकी जो आपको एकदम तौफीक हुई आपने फौरन कर दी, उसके बाद आपकी मौत हो जाए और वही आपकी बख्शिश बन जाए। तो नेकियां करने में पहल करें। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि इसके पास खजूर और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नदियां बहती हों, इसके लिए इसमें हर किस्म का फल हो और इसे बुढ़ापा आ जाए और हाल ये हो कि इसके कमजोर और नातवा बच्चे हों, फिर इस पर एक भगोला आए जिसमें आग हो तो सारा बाग जल जाए। अल्लाह तुमसे इसी तरह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, ये इस शख्स की मिसाल है जो पूरी जिंदगी नेकियां करता रहा मगर मौत आने से पहले भटक गया। इंसान को और एक मुसलमान को सुकून कब आएगा? जब वो हालत ईमान में, इस हालत में कि अल्लाह उसे राजी होगा, तब वो इस दुनिया से जाएगा। कोई गारंटी दे सकता है कि मेरी मौत किस तरीके से होगी? तो हमने हर वक्त कॉन्शियस रहना, और जो दीन पे चल रहे हैं उनको ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। क्यों? कोई भी वक्त ऐसा ना आए कि हम शैतान के वसवसों में आ जाएं और दीन से हट जाएं। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको अगर हम याद रखें तो हमें हर गलत काम से रोक लेगी। मैं गलत काम करने लगी, खुदा ना खास्ता, एकदम याद आया यार अगर भी फरिश्ता आ गया तो मुझे किस हालत में लेके जाएगा, तो मैं क्या करूंगी? रुक जाऊंगी। जब भी आपको गलत काम की तरफ रुबत हो तो कुरान का मतलूब इंसान क्या करता है? अपनी मौत को, अपनी आखरत को याद कर लेता है। ए ईमान वालों, अपनी पाक कमाइयों में से और इसमें से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो। यहाँ पे बात हो रही है उशर की। जिनकी जमीनें होती हैं इन्हें फसलों में से उशर देना पड़ता है, यानी जो अल्लाह की राह में वो देते हैं उसे उशर कहते हैं। 10% जो होता है वो उशर की क्वांटिटी बताई गई है, लेकिन इसमें डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में ये चेंज होता है, इसको भी जहन में रखिएगा।
और खर्च करते हुए खास नाकिस माल देने का इरादा ना करो। अल्लाह अकबर, दिल इतना दुखता है। जब भी पिछले साल जब सैलाब आया था और अपील की गई थी कि आप सैलाब जदगान की मदद करें, तो लोगों ने घरों से पता है क्या निकाला था? फटी हुई स्वेटरें, पुरानी स्वेटरें, वो चीथड़े जो वो खुद भी इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन उन्होंने घर में झाड़ पहुंच करने के लिए जरूर रखे हुए। आज फलिस्तीन में एड जा रहा है और दो ट्रक्स उन्होंने वहां पे रखे और फलिस्तीनी ने वीडियो बनाई कि ये हमें एड मिला है जिसमें एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड फूड पड़ा है, ये आप चाहते हैं हम लोग खाएं, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते। अल्लाह की राह में भेज रहे हैं और क्या भेज रहे हैं? घटिया माल। हम हर बंदे को उसके स्टेटस के लिहाज से देते हैं ना तोहफा, ना नहीं उसको समझ है, उसको बूझ है, उसको पता है फलाने ब्रांड का कौन सा कितना होगा। और वो मेरे दिल के एक एक स्टेटस और एक मोहब्बत, दो चीजें होती है तोहफा देने में, कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और एक उसका स्टेटस कि नहीं ये उसको जेब नहीं देता। तो क्या अल्लाह को जेब देता है जो जो गंद हमारे घर में पड़ा हम देते? जरा देखिए कि अल्लाह क्या कह रहे हैं। और खर्च करते हुए खास नाकिस माल देने का इरादा ना करो, हालांकि अगर वो ही तुम्हें दिया जाए तो तुम इसे चश्मपोशी किए बगैर कबूल नहीं करोगे। यानी तुम देखे बगैर, देखे तो हो ही नहीं सकता कि तुम उसे कबूल करोगे। और जान रखो अल्लाह बेपरवाह हम के लायक है। हमेशा अल्लाह की राह में वो दे जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, बल्कि उससे भी अच्छा। एक काम नफ्स को मारने वाला जरूर करना है। आपके पास जो भी सबसे आपकी पसंदीदा चीज है, कोई एक ऐसी चीज होती है जो हम कहते हैं यार ये मैं किसी को नहीं दूंगी, वो अपने बच्चों को भी नहीं देने का दिल करता, ये मैंने किसी को नहीं देना, वो निकाले, खुद देखें क्या है। और किसी मुस्तहिक को, किसी प्यारे रिश्तेदार को नहीं, किसी बहन भाई को नहीं, किसी मुस्तहिक को अल्लाह के लिए दीजिए, देखिएगा कितना कबूल होगा और उसका कितना जबरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा। अशैतानु याइदुकुमुल फक्र। अब क्या होता है, जैसे ही हुई अपील के सैलाब जदगान की मदद करें या फलस्तीनियों की मदद करें, ओहो मेरे पास तो सिर्फ 10,000 हैं, अभी मैंने ट्यूशन फी देनी है, अभी मैंने बिल देना है, अब मैं देना है, अब सिर्फ 2,000 बचे हैं, अब 2,000 अगर मैंने दे दिए फंड में तो मैं क्या करूंगी यार, कोई मुसीबत आ गई तो क्या हो जाएगा। ये क्या है, शैतान का वसवसा, जिसकी तरफ अल्लाह ताला अगली आयत में हमें निशानदेही करा रहा है। शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है कि जो 2,000 पड़े वो भी दे दोगे तुम तो मोहताज हो जाओगी, मांगने की नौबत आ जाएगी। शैतान हमें किसकी देता है कि जो तुम्हारे पास है इसको संभाल के रखो, ये तुमने नहीं देना। शैतान हमें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं शैतान बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और अभी क्या कह रहे हैं, शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है, और अल्लाह वुसत वाला इल्म वाला है। आगे जो आयत आ रही है, अल्लाह की राह में खर्च करने की हिकमत बताई जा रही है। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज्यादा भलाई मिल जाती है, और अक्ल वाले ही नसीहत मानते हैं। जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो पंप एंड शो के लिए खर्च नहीं करते लेकिन खालिस्तन अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिकमत से भी नवाजता है। लेकिन नसीहत कौन लेते हैं? सिर्फ अकल वाले। और तुम जो खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह इसे जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। जो हम खर्च करते हैं उसे अल्लाह जानता है, और जो नजर मानते हैं, नजर क्या होता है, ये कह देना कि मेरा फलाना काम हो गया तो मैं अल्लाह के लिए या अल्लाह की राह में ये दे दूंगा, ये आप कर सकते हैं, लेकिन गैर अल्लाह या किसी और के नाम का नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने नजर मानी है और फिर आपने उस नजर को पूरा भी करना है, अगर आपने नजर तोड़ दी, आपने कहा था कि ये काम हो जाए तो मैं अल्लाह की राह में इतना खर्च करूंगा, तो आपको वही कुफारा देना पड़ेगा जो कसम का कुफारा है, जो कि है 10 मस्कीनों को खाना खिलाना या फिर 3 दिन के रोजे रखना। अब बताया जा रहा है कि सदकात कैसे दिए जाएं और क्या क्या अच्छे तरीके हैं सदकात देने के। ये जो है सदकात नाफला की बात की जा रही है। अगर तुम ऐलानिया खैरात दोगे तो सदकाती, अगर तुम ऐलानिया खैरात दोगे तो वो क्या ही अच्छी बात है। ऐलानिया सदकात या खैरात हम कौन सी दे सकते हैं? जकात। और जब मैं ऐलान करके दूंगी तो क्या होगा, लोगों को भी तरगीब होगी। अगर कोई भूल
किसी ने नहीं दी तो वो देगा, और अगर तुम पाकर फकीरों को दोगे तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। और छुपा के हम कौन सी देंगे, जो भी एक्स्ट्रा मनी या कोई एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे हैं वो हमारा, हमें क्या चाहिए कि हम छुपा कर करें। जकात भी आप छुपा के दे सकते हैं ताकि किसी के नफ्स पे गिरा ना गुजरे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐलानिया दोगे या छुपा के दोगे वो सब तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह तुमसे तुम्हारी कुछ बुराइयां मिटा देगा। सदका देने से क्या होता है, इंसान की बुराइयां मिट जाती हैं, और अल्लाह तुमसे तुम्हारी कुछ बुराइयां मिटा देगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। फर्ज सदकात जाहरी तौर पर देने को कहते हैं, जैसे जकात हो गया, और नफल सदके में बेहतरीन ये है कि आप छुपा के दें। क्यों? ताकि हमारा नफ्स मोटा ना हो जाए, हमारी अना मोटी ना हो जाए कि ये देखो मैं तो कितनी हेल्प करूँ, और ऐसा होता है। तो आपने क्या करना है, नफली सदकात या कोई भी किसी की हेल्प करनी है तो बता के नहीं देनी। क्या कहते हैं, एक हाथ को दो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। लोगों को हिदायत दे देना तुम पर लाजिम नहीं, हाँ अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। आज के दौर के फितनों में से एक बड़ा फितना जो है वो ये भी है कि जिसको दीन की थोड़ी बात समझ आ गई वो डंडा लेके सबके पीछे पड़ गया, अब तो तुम पूरी नमाज पढ़ोगी, आज से तो तुम बुर्का करोगी पूरा, टोपी वाला तो मैं तुम्हें पहना के भेजूंगी, मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी और तुम करोगी। अल्लाह ताला ने कहा ऐसे नहीं होता, आपका काम क्या है, बात को जरूर पहुंचाएं, लेकिन कैसे पहुंचाएं, कौलुन मारूफुन, अच्छे तरीके से आप बात पहुंचा दें, लेकिन हिदायत देना सिर्फ किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। और तुम जो अच्छी चीज खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए ही फायदा मंद है, और तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए ही खर्च करो, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारा पूरा पूरा दिया जाएगा, और तुम पर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। एक मुसलमान, एक मोमिन जब अल्लाह की राह में खर्च करता है तो इस इत्मीनान के साथ करता है कि अल्लाह मुझे बेहतरीन सिला देगा, क्योंकि बादशाह कैसे देता है किसी को, फकीर को, अपनी बादशाहत के मुताबिक। तो जिसका आसमान और जमीन है तो वो हमें कितना ज्यादा कुछ देगा। इन फकीरों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए वो जमीन में चल फिर नहीं सकते, नवाकिफ इन्हें सवाल करने से बचने की वजह से मालदार समझते हैं। इन फकीरों के लिए जो अल्लाह के रास्ते से रोक दिए गए, इनसे मुराद वो लोग हैं जो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं या दीन के रास्ते में काम कर रहे हैं। अब जो दीन का काम कर रहा है उसके पास वक्त नहीं होगा कि वो कमाए, वो क्या करेगा, पूरा अपना आप अल्लाह की राह में खर्च कर देगा। तो उनके बारे में बात की है, इन फकीरों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है उसी रूह फी सबीलिल्लाही, जिन्होंने खुद को कैद कर दिया है, खुद को हिसार में ले लिया है, खुद को मुशक्कत में डाल दिया है। और क्यों डाल दिया है, अल्लाह की रजा के लिए। अब जिसने खुद को मुशक्कत में डाल दिया, जिसने कहा मैंने दीन का काम करना है, अब वो कमा सकेगा नहीं, वो एक ही काम कर सकते थे, दीन की इशात करे या वो पढ़े या वो कमाए, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन फकीरों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए हैं वो जमीन में चल फिर नहीं सकते, ना वाकिफ इन्हें सवाल करने से बचने की वजह से मालदार समझते हैं। अब वो रोक दिए गए हैं, वो कारोबार नहीं कर रहे, वो अपना टाइम जो वो कारोबार में या पैसा कमाने में लगाते थे वो अल्लाह की राह में लगा रहे हैं। ना वाकिफ लोग जिनको नहीं पता, क्योंकि वो सवाल नहीं करते ना, वो मांगते नहीं है, लोग क्या समझते हैं कि ये मालदार है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अहले सुफा की बात हो रही है। ये आयत अहले सुफा के हक में नाजिल हुई, इन हजरात की तादाद 400 थी, इनके तमाम औकात इबादत में सर्फ होते थे, रात में कुरान करीम सीखना, दिन में जहाद के काम में लगे रहना इनका शबो रोज का मामूल था। इन्हीं हजरात की सफ में वो उल्मा और तलबा भी शामिल थे जो दीन की खिदमात में, दीन के खादमीन में दाखिल हैं, जो दीनी कामों में मशगूलियत की वजह से कमाने की फुर्सत नहीं पाते। ये लोग अपनी इज्जत और वकार और मुर्रवत की वजह से लोगों से सवाल भी नहीं करते, और अपने फकर को भी छुपाते हैं, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि इनका गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है कि तहकीक करने से इनकी जिंदगियों की मुशक्कत से भरपूर होना बहुत से अलामात और कराइन से मालूम होता है।
डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि मुझे सबसे बेस्ट एडवाइस जो थी जिंदगी में डॉक्टर इसरार ने दी थी। और क्या, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर बन गए हो लेकिन तुम प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि तुम अगर उस फील्ड में चले गए तो तुम दीन का काम नहीं कर सकते। और डॉक्टर इसरार, उन्होंने भी पूरी जिंदगी दीन के लिए गुजार दी। और एक इंटरव्यू में उनका कमरा दिखाया जा रहा था तो मुझे खुद ही बड़ी शर्म आ गई। एक कमरा था इतना होगा जितना आजकल हम कह लें हमारा सर्वेंट क्वार्टर, एक सिंगल चारपाई टाइप पड़ा था, एक साइड पे सोफा कम बेड पड़ा था और एक छोटा सा फ्रिज पड़ा था और एक टेबल पड़ा था और चेयर, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं थी, जस्ट सिंपल चीजें पड़ी हुई थी। तो उन जो इंटरव्यू जो ले रहे थे उन्होंने कहा इस कमरे में आप कंफर्टेबल हैं? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हर वो चीज है जो मेरी आसाइश के लिए, ये बेड है इस पे मैं सो जाता हूँ, ये टेबल है इस पे मैं बैठ के पढ़ता हूँ, ये सोफा कम बेड है मेरी बीवी इस पे सो जाती है, ये फ्रिज रखा है इसे मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ और खाना आ जाता है, हमारी जिंदगी इतनी है। और पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी इसी एरिया में गुजार दी। सेम एग्जाम्पल हमें मिलती है किसकी, ईदी की। इनकी एक तस्वीर मैंने देखी, अपनी बीवी के साथ बैठे हैं नाश्ता कर रहे हैं। आज हम लोगों को बड़ा शौक है ना कि हमारे डिनर सेट सेट से हो, हमारे फलाने हो, और वो तस्वीर देख के भी मुझे एक्सट्रीम शर्म आई थी। मुझे अपना नफ्स फील हुआ था कि मेरे अंदर कितना नफ्स है, कितनी ख्वाहिशात हैं। दो कप चाय के पड़े हुए और एक प्लेट, और तीनों डिफरेंट थे, मतलब कि एक सेट के नहीं थे, वो तीनों डिफरेंट ही उसमें डिजाइन बने हुए थे। कुछ टूटे हुए थे और चारपाई कहीं से टूटी हुई थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके पास कितने चांसेस थे कि ये बेहतरीन तरीके से अपने आप को कैश करते और बेहतरीन माल कमाते। अब हम देखते हैं आजकल हम बहुत ज्यादा तबसरे करते हैं ना मौलवी हजरात पे या दीनदार तबके पे। कितने पैसे लेता है एक मौलवी बच्चे को पढ़ाने के? हम अगर 2000 दे रहे हैं ना, हमें बड़ा एहसान लग रहा है। आप करें 2000, अगर वो 10 बच्चों को भी पढ़ा रहा है तो कितने बन गए? 20000 में घर चलता है आज? मस्जिद, इमाम का मस्जिद, उसकी पे पता है वो कितनी है? 15000। और फिर हम कहते हैं ये हमें दीन नहीं सिखा रहे। सबसे बड़ा फितना ही ये है कि हमें जिनको फैसिलिटेट करना था हमने उनको फैसिलिटेट नहीं किया, फिर हमने उनकी खराबियों का खूब चर्चा किया। ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उस जमाने में भी किया जाता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको प्रॉपर उनका वजीफा मुकर्रर किया जाता था ताकि वो माश की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएं और अल्लाह की दीन की अशात में ज्यादा बिजी हो जाएं। वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते और तुम जो खैरात करो अल्लाह इसे जानता है। ये डिफरेंट चीजें हमें बताई जा रही है कि कहाँ कहाँ अल्लाह की राह में खर्च करना है। अब आपने कुरान का मतलूब इंसान क्या करेगा, इन तमाम लोगों की कैटेगरी बनाएगा, उसे लिखेगा, फिर देखेगा कि कहाँ कहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ और इंशाल्लाह करेगा। और ये आपकी आज की असाइनमेंट है, आपने इस बारे में से देखना है कि अल्लाह सुबहान तआला ने हमें कहाँ कहाँ कहा है कि खर्च करना है और उसका क्या क्या रिवॉर्ड बताया है और उस हम कुरान का मतलूब इंसान फिर क्या खर्च करेगा। और ये असाइनमेंट मुझे होमवर्क ग्रुप में चाहिए। और जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा तमाम उन सिस्टर्स के लिए जिन्होंने कल कुछ हरकत दिखाई, कुछ होमवर्क ग्रुप भी जिंदा हुआ और मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जजाय खैर दे। जो वो लोग जो रात में और दिन में पोशीदा और एलानिया अपने माल खैरात करते हैं, इनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है, इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। गम का इलाज और खौफ का इलाज अल्लाह ने बता दिया, क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करना। फितनों का इलाज अल्लाह ने पहले बता दिया, नमाज पढ़ो और सब्र करो। अल्लाह ने हमें बनाया है ना, हमारी मुश्किलात के इलाज अल्लाह ताला साथ साथ बता रहे हैं। अब आगे सूद की हुरमत की आयत आ रही है। ये सूद की हुरमत की वो आयत है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई थी। सूद की हुरमत की डिफरेंट जगहों पे कुरान में आयात हैं। जो हम ये आयत पढ़ने वाले हैं ये आ तो सबसे पहले रही है, लेकिन ये सूद की हुरमत की सबसे आखिरी आयत है नुज़ूली एतबार से। जो लोग सूद खाते हैं वो कयामत के दिन ना खड़े होंगे मगर इस शख्स के खड़े होने की तरह जिसे आसेब ने छूकर पागल कर दिया हो। कैसा हो जाएगा? उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि वो कर क्या रहा है। पागल तो कुछ भी कर सकता है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। ये सजा इस वजह से है
कि इन्होंने कहा खरीदो फरोख्त भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम किया। तो जिसके पास इनके रब की तरफ से नसीहत आई फिर वो बाज आ गया, तो इसके लिए हलाल है जो पहले गुजर चुका हो, और इसका मामला अल्लाह के सुबुर्द है, और जो दोबारा ऐसी हरकत करे तो वो दोजखी है, वो इसमें मुद्दतों तक रहेगा। कहते हैं कयामत के दिन ये अपनी कब्रों से इस हालत में उठाए जाएंगे कि ये दीवाने हों। सूद लेना, सूद देना, सूद लिखना, ये अल्लाह के और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। हम कहते हैं आज के दौर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये झूठ है। हमने अपनी ख्वाहिशात को इतना बढ़ा दिया कि हमें ये चीजें इस तरीके से करनी पड़ी, लेकिन जब अल्लाह ने कहा हम किसके खिलाफ जंग कर रहे हैं, जरा सोचिए, अल्लाह के लिए खिलाफ हम खड़े हो गए हैं कि आप, हम तो करेंगे, हमारा तो गुजारा नहीं है। इतनी बड़े हम, इतने निडर हो गए, हम किसके आगे खड़े हो रहे हैं, और हम डर भी नहीं रहे हैं। शेख महमूद अहमद ने अपनी किताब मैन एंड मनी में साबित किया है कि तीन चीजें हैं जो सूद के कारोबार में होती हैं। एक क्या होता है कि बेरोजगारी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, और तीसरी चीज क्या होती है, क्राइम रेट बढ़ जाता है। सूद जो ले रहा होता है, जिस मुआशरे में सूद होता है उसमें तीन चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं, बेरोजगारी जो आजकल देखी जा रही है, आजकल डिग्रीज हैं, MBA है, किया हुआ है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई उनके पास जॉब नहीं है। उसके बाद महंगाई, जितनी महंगाई इस साल देखी जा रही है कभी जिंदगी में पिछले सालों में देखी ही नहीं गई, और आगे देखें अल्लाह जाने क्या होगा। क्राइम रेट, वो गुनाह हो रहे हैं जो इंसान सोच ही नहीं सकता था। इस एरिया में जहाँ पे हम बैठे हुए जो कैंट एरिया कहलाता है और जो कहते थे सबसे सिक्योर एरिया, यहाँ पे भी वारदात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने तो जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सूद कर लिया है हमने तो हमें अब चीजें ये सारी भुगतनी पड़ेंगी। हम कहते हैं ना बहुत सी बुराइयां आ गई हैं, हमें बड़ी मुश्किलात का सामना, वो मुश्किलें हमें अपने करतूतों की वजह से देखनी पड़ रही हैं। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूद की वजह से कोई जितना मर्जी बिजनेसमैन बड़ा बन जाए, कोई जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज बना दे, हकीकतन वो बर्बाद है। और ये मैंने देखा है जो लोग सूद में इन्वॉल्व है और उनको पता भी है और चाह के भी उसको नहीं छोड़े, बेशक उन्होंने प्रॉपर्टीज बना ली, लेकिन उनकी सूदी कारोबार की वजह से या तो उनकी बच्चे सफर कर रहे हैं, ऐसी बीमारियां लग गई, ऐसी चीजें हो गई कि वो इतने सफर कर रहे हैं, या वो खुद मेंटली और फिजिकली फिट ही नहीं है, उनका हाल इतना बुरा है, और उस इंसान, वो इंसान उनसे बेहतर है जो एक रेडी लगाता है और सुकून से बैठा हुआ है। तो सूद क्या करता है, अल्लाह सूद को मिटाता है, यानी सूद से जितना भी कराओगे अल्लाह ताला उसको खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, और सदकात को बढ़ाता है। कितनी फजीलत है सदके की और सूद की कितनी हुर्मत है, और अल्लाह किसी ना शुक्रे बड़े गुनाहगार को पसंद नहीं करता। यहाँ पे ये क्यों कहा कि अल्लाह किसी ना शुक्रे बड़े गुनाहगार को पसंद नहीं करता, जो शुक्र करता, किसी के पास थोड़ा होता उसी में गुजारा करता, वो सूद लेता। सूद का अगर आप देखें ना विशेष सर्कल इतना बड़ा है कि हम उसमें लेते ही क्यों हैं, अपनी विशेष को या अपने नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादातर 99%। लेकिन अगर लेना पड़ता, मैं कहती नहीं, सब कुछ लुटता है, लुट जाए, सब कुछ खत्म होता है, खत्म हो जाए, तो क्या होता, मैं अल्लाह के शुक्र गुजार होती और अल्लाह पे तवक्कल करती। लेकिन हम इसको नहीं मानते, तो अल्लाह किसी ना शुक्रे बड़ा गुनाहगार को पसंद नहीं किया, क्योंकि ना शुक्र ही है जो अल्लाह के दिए पे शुक्र नहीं कर रहा और सूद ले रहा है और बड़ा गुनाह कर रहा है, अल्लाह के सामने डट के खड़ा हो गया है। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वअकामुस्सलाह, बेशक वो लोग, अब कुरान के मतलूब इंसान की यहाँ पे खूबियां बताई जा रही हैं, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने अच्छे काम किए और नमाज कायम की और जक़ात दी, इनका अजर इनके रब के पास है और इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अगर तुम ईमान वाले हो, ए मुसलमानों अगर तुम ईमान वाले हो, ए मेरे सामने बैठे हुए लोगों अगर तुम ईमान वाले हो, ए ईमान वालों अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब ये आयत उतरी तो सूद में के लोग उन्होंने बहुत से पैसे दिए हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो अमाउंट रह गई है उसको छोड़ दो और इसका इसको खत्म कर दो, इसका बिल्कुल एंड कर दो ए ईमान वालों। मतलब के जो सूद लेता है उसमें ईमान नहीं है। ए ईमान वालों, अब मुझे तो ये समझ आती है, ए मुसलमानों अगर तुम्हें ईमान है तो अल्लाह से डरो और सूद को खत्म कर दो। तो ये आज हम सब मुसलमानों पे अप्लाई नहीं होता, और हम कितने मजे से आराम से खुद भी गलत काम करते हैं और अपने बच्चों से भी करवाते हैं, और कितने प्राउडली कहते हैं कि वो उस जगह जॉब करते हैं जहां पे सूदी कारोबार किया जाता है। इसीलिए तो घरों में बरकत नहीं है, रिश्तों में बरकत नहीं है। ए ईमान वालों, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो, जो सूद बाकी रह गया है इसे छोड़ दो, फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लड़ाई का यकीन कर लो। अल्लाह, हम कहते हैं हालात ठीक नहीं हो रहे, चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, अल्लाह और उसके रसूल से जब मैं लड़ाई कर रही हूँ, उस सुप्रीम पावर से जिसके आगे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, तो क्या हालात ठीक हो सकते हैं? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे, पता चल गया है और तुम कहोगे नहीं, और या कहोगे अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, या कहोगे नहीं ऐसा ऐसा कर लूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से लड़ाई का यकीन कर लो, और अगर तुम तोबा कर लोगे तुम्हारे लिए अपना असल माल लेना जायज है। अगर तुम तोबा कर लोगे तो जो एक्चुअल अमाउंट है, जो सूद नहीं है, वो लेना तुम्हारे लिए जायज है। ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ और ना तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जो सूद ले रहा है उसको तो मुनाफा हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं हो रही, वो अल्लाह के खिलाफ खड़ा हुआ है। अल्लाह कह रहे हैं ना तुम नुकसान पहुंचाओ और ना तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, और अगर मकरूज तंग दस्त हो तो इसे आसानी से मोहलत दे दो। अगर यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हमने किसी को कर्ज दिया है, कोई आपका मकरूज है, लेकिन आपको वाकई पता है वो तंग दस्त भी है, उसके पास पैसे नहीं, वो भी कर्ज अदा नहीं कर सकता, तो क्या करो, 10 गुंडे भी जुआ उसका सामान उठा के बाहर फेंको या उसको पूरी महफिल में जलील करो? नहीं, इस्लाम का ये रवैया ही नहीं है, इस्लाम ये सिखाता नहीं है। और अगर मकरूज तंग दस्त हो तो इसे आसानी तक की मोहलत दो, यानी उसे कहो कि ठीक है अगर आपके पास अभी नहीं, आप मुझे बता दें कि आप कब तक मुझे वापस कर सकते हैं, तो उसको मोहलत दो, और तुम्हारा कर्ज को सदका कर देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है अगर तुम जान लो, और अगर तुम इसको सदका कर दो यानी माफ कर दो तो ये सबसे बेहतर है अगर तुम जान लो। अल्लाह सुबहानो ताला बड़े रहमान है, अल्लाह ताला ने हमें हर जगह ऑप्शंस दे दिए, ये करोगे ये रिवॉर्ड है, ये करोगे इससे आगे रिवॉर्ड है, ये करोगे तो सबसे अफजल रिवॉर्ड है, चूज करना मैंने तुम पे छोड़ दिया, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह ये भी तो कह सकता था कर्ज दिए माफ कर दो, नहीं, अल्लाह ने कहा अगर मकरूज है कोई मोहलत दो। तो कितनी अल्लाह ताला ने अपनी रहमानियत हर जगह हमें दिखाई है। और इस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को इसकी कमाई भरपूर दी जाएगी और इन पर जुल्म नहीं होगा। जितने अच्छे काम करें, जितने नेक काम करें, जितना सदका खैरात करें, जितने लोगों को माफ करें, खालिस्तन किसके लिए करें, अल्लाह के लिए, और उस दिन के लिए जिस दिन अल्लाह ताला हमें भरपूर अजर देगा। आगे जो आयत आ रही है इसको आयते दैन कहते हैं, कुरान की तवील तरीन आयत है ये। जो आयत है ये कर्ज के अंदर कैसे मुदत लिखनी चाहिए, कैसे हमें रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में है। कुराने मजीद में क्या नमाज का तरीका बताया गया है? नहीं बताया गया, लेकिन इंसानी मामलात का हर हर तरीका बताया गया है। और ये वो आयत है जिसमें लेन देन के अहकाम दिए गए हैं, और ये कुरान की सबसे लंबी आयत है। ये आयत बयान करने से पहले जरा एक हदीस का मफहूम देखें। जो हम कहते हैं ना, हम तो आप पे बड़ा से बड़ा प्यार करते हैं, हम तो आप पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, हम ओरली एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये उन लोगों के लिए हदीस है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, जो शख्स कर देते हुए या कोई माली मामला करते हुए नहीं लिखवाता, अगर इसका माल जाया हो जाता है तो इस पर कोई इसको अजर नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई कर्ज दे रहा है, कोई माली मामला कर रहा है और नहीं निकलवा रहा और उसका माल जाया हो जाता है, उस पर उसको अजर
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये आयत दे दी है। किसको पढ़ो, अकल से काम लो, जो बात मैं कह रहा हूँ उसके मुताबिक करो। और अगर वो मकरूज के हक में बद्दुआ करता है तो अल्लाह ताला इसकी फरियाद नहीं सुनता, क्योंकि इसने अल्लाह ताला के वाज़े हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। हमें बड़ा प्यार आता है कभी किसी रिश्ते पे, हम कहते हैं नहीं नहीं ट्रस्ट की बात है। कर्ज का मामला, माल का मामला, माँ बेटी भी लिखेगी, बहन बहन भी लिखेगी, बहन भाई भी लिखेगा, और इसमें ना शर्माने की जरूरत है ना बुरा मनाने की जरूरत है। जो बुरा मनाए वो तो बेवकूफ है, जब अल्लाह ताला ने कह दिया लिखो तो आप क्यों ना लिखें। आज से असूल बनाए, मैं हेल्प करूंगी, मैं जरूर करूंगी, लेकिन जितने माली मामलात हैं उनको हम लिखेंगे। और वो कैसे लिखेंगे, वो हम अल्लाह हमें अल्लाह इस आयत में बता रहा है। अल्लाह ताला की आयात को कौन मानता है, ईमान वाला या बगैर ईमान वाला? तो एक खिताब देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, आप लोगों को बुला रहे हैं अल्लाह ताला, ए ईमान वालों, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी कर्ज का लेन देन करो, यानी सबसे पहले क्या करो, मुद्दत मुकर्रर करो कि कब तक लेन देन किया जा रहा है, तो इसे लिख लिया करो। पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं उसकी टाइम जोन कितनी है, कितनी अरसे के लिए चाहिए, वो आप लिखें। और तुम्हारे दरमियान किसी लिखने वाले को इंसाफ के साथ मौईदा लिखना चाहिए। लिखने वाले आप खुद भी हो सकते हैं, और अगर खुद नहीं लिखना पड़ना था तो हायर भी कर सकते हैं। और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, और ये ना हो कि अगर किसी को कहा जाए लिखे तो वो इनकार करे, नहीं नहीं मैं इन मामलात में नहीं पड़ता, नहीं उसे लिखना चाहिए। जैसा कि इसे अल्लाह ने सिखाया है तो इसे लिख देना चाहिए, और जिस शख्स पर हक लाजिम आता है वो लिखता जाए और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और इस हक में से कुछ कमी ना करे। फिर जिस पर हक आता है अगर वो बेअकल, हक आता का क्या मतलब है, जो लेता है, जो ले रहा है कर्ज, फिर जिस पर हक आता है अगर वो बेअकल या कमजोर हो या लिखवा ना सकता हो, तो इसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे, और अपने मर्दों में से दो गवाह बना लो, फिर अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें इन गवाहों में से मुंतखब कर लो जिन्हें तुम पसंद करो, ताकि अगर इनमें से एक औरत भूले तो दूसरी इसे याद करा दे, और जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो आने से इनकार ना करें। और कर्ज छोटा या बड़ा इसे इसकी मुद्दत तक लिखने में उकताओ नहीं, छोटा हो या बड़ा हो इसकी मुद्दत तक लिखने में हमें बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यह अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है, और इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी, और ये इससे करीब है कि तुम बाद में शक में ना पड़ो, हर मौईदा लिखा करो। बाद में कहना कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे हुई थी, फिर ये हो गया था, इसका कोई फायदा नहीं। कर्ज लेना है, कर्ज देना है, क्या करना है, सबसे पहले हमने मुद्दत डिसाइड करनी है, उसको राइट करना है। लिखेगा कौन या लिखवाएगा कौन, जो कर्ज ले रहा है, क्योंकि ये ना हो कि कर्ज देने वाले के दिल में फितना आ जाए या शैतान आ जाए और वो ज्यादा लिखवा। और अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो किसी ऐसे बंदे को या अपने वली को पॉइंट करेगा जो देखे कि सही लिखा जा रहा है। और इस कर्ज के लिए अगर लिखवाया जा रहा है तो गवाह आप रखेंगे, गवाह कौन से होंगे, दो मर्द, और अगर एक मर्द होगा तो दो औरतें। क्यों? औरतें भूल जाती हैं, औरतों के अंदर भूलने का मादा ज्यादा पाया जाता है। और छोटा हो या बड़ा कर्ज हो उसको हमने लिखना है, और ये ज्यादा इंसाफ की बात है, और इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी, और ये इससे करीब है कि तुम बाद में शक में ना पड़ो, हर मौईदा लिखा करो। तो ये आपने आज जरूर रात से अपना अपनाना है। जिन्होंने पहले से किया हुआ है तो वेल डन, अल्लाह ताला कबूल करे, और जो नहीं करते आज से इस बात पे आपने जरूर अमल करना है। मगर ये कि कोई हाथों हाथ सौदा, यानी ग्रोसरी करने जा रहे हैं, ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, कोई खरीदो फरोख्त करने जा रहे हैं, ये नहीं कि वो भी लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो किसी भी चीज को ना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेके जाना। तो इसको इधर आ रहा है कि मगर ये कि कोई हाथों हाथ सौदा हो जिसका तुम आपस में लेन देन करो, तो इसके ना लिखने में भी तुम पे कोई हर्ज नहीं। यानी किसी ने कहा जाके ग्रोसरी की कोई चीज दिया, कोई छोटी मोटी चीज दिया, वो नहीं लिखे, लेकिन जो बाकी बड़े मामलात हैं उसको आप जरूर लिखें। और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो, और ना किसी लिखने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, और ना गवाह या लिखने वाले को कोई नुकसान पहुंचाए, और ना गवाह। और अगर तुम ऐसा करो
तो ये तुम्हारी नाफरमानी होगी, और अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करते हैं। अल्लाह ताला जानते थे कि इमामलात में इंसान जरूर डंडी मारेगा, तो अल्लाह ताला ने हमें हर हर मामला जो है बेहतरीन तरीके से समझा दिया। और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ, सफर में है अब लिखने वाला नहीं मिल रहा, तो कर्ज ख्वाह के कब्जे में गिरवी चीज हो, यानी अगर आपके पास आप कर्ज नहीं ले सकते, आप कर्ज लेने के लिए भी कोई नहीं है, तो आप चीज गिरवी रख सकते हैं। गिरवी क्या होता है? चीज के बदले, कोई चीज रखवा के उसके बदले पैसे ले लें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और अगर तुम सफर में हो लिखने वाले ना पाओ, तो कर्ज ख्वाह के कब्जे में गिरवी चीज हो, और अगर तुम्हें एक दूसरे पर इत्मीनान हो, तो वो मकरूज जिसे इमानतदार समझा गया है वो अपनी इमानत अदा कर दे और अल्लाह से डरे। रहन में रखना या गिरवी में रखना, ये वो है कि किसी चीज को रखे उसके बदले पैसे ले लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त विसाल हुआ, उनका इंतकाल हुआ, उस वक्त उनकी एक जरा थी जो एक यहूदी के पास कुछ सैर जौ के बदले गिरवी थी, और उनके घर में जो तेल था जिससे रोशनी थी वो भी किसी से लिया हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर हम पढ़े तो हमें क्या बताया गया कि गिरवी रख के पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं है। और गवाही ना छुपाओ, जो गवाही छुपाएगा तो इसका दिल गुनाहगार है, और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब जानता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और जो कुछ तुम्हारे दिल में है अगर तुम इसे जाहिर करो या छुपाओ अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा, तो जिसे चाहेगा बख्श देगा, जिसे चाहेगा सजा देगा, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूल इस पर ईमान लाया जो इसके रब की तरफ से इसकी तरफ नाजिल किया गया। रसूल किस पर ईमान लाया, क्या नाजिल किया? कुरान मजीद, इसके रब की तरफ से इस पर नाजिल किया गया, और मुसलमान भी यानी हम सब भी उस पे ईमान लाए, सब अल्लाह पर और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर, ये कहते हुए ईमान लाए कि हम इसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते। मुसलमान किसी रसूल पे ईमान लाने में फर्क करता है? नहीं करते। और उन्होंने अर्ज की, ए हमारे रब हमने सुना और माना। मुसलमान क्या कहता है? समेना व अताना। पीछे बनी इसराइल को हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या कहा था? समेना व असईना। अगर हमने कहा हमने सुना और नहीं माना तो हम क्या बन गए? बनी इसराइल, इनकार करने वाले। और अगर हमने सुना और कहा समेना व अताना, हम क्या बन गए? ईमान वाले। और जब वो सुन लेता है फिर क्या करता है? गुफराना का रब्बना व इलैकल मसीर, ए हमारे रब हमने सुना और माना, हम पर तेरी माफी हो और तेरी ही तरफ फिरना है। अगली जो आयत है ये मुझे इतनी पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट्स आयत है, कि अल्लाह किसी जान पर इसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं बंदे को लगता है मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं जिंदगी को कैरी ऑन नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हमें कितनी तसल्ली दी है, तुम में इतनी ताकत है कि तुम इनके सर्कमस्टेंसेस से जा सकते हो। अल्लाह क्या कह रहे हैं? मैं किसी जान पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह बकरा की आखिरी दो आयात की फजीलत देखते हैं। अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की आखिरी दो आयात रात में पढ़ ली वो इसे हर आफत से बचाने के लिए काफी होगी। ये बुखारी की हदीस है 500। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह बकरा की आखिरी दो आयात अर्श के नीचे मौजूद खजाने में से अता की गई जो मुझसे पहले किसी को अता नहीं की गई थी। और ये आयात कोशिश किया करें कि आप जरूर पढ़ा करें। आमन الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا
वरहमना अंत मौलाना फंसुना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाहु अकबर। रसूल इस पर ईमान लाया जिसके रब की तरफ से इसकी तरफ नाजिल किया गया, और मुसलमान भी सब अल्लाह पर और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ये कहते हुए ईमान लाते हैं। हम इसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते। और उन्होंने अर्ज की, ए हमारे रब, हमने सुना और हमने माना, हम पर तेरी माफी हो और तेरी ही तरफ फिरना है। अल्लाह किसी जान पर इसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। किसी जान ने जो अच्छा कमाया वो इसी के लिए है, और किसी जान ने जो बुरा कमाया इसका वबाल इसी पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूले या खता करें तो हमारी गिरफ्त ना फरमा, आमीन। ए हमारे रब, और हम पर भारी बोझ ना रख जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर रखा, आमीन। ए हमारे रब, और हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत नहीं, आमीन। और हमें माफ फरमा, आमीन। और हमें बख्श दे, आमीन। और हम पर मेहरबानी फरमा, आमीन। तू हमारा मालिक है, बस काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी सूरे बकरा, कुरान पाक की तवील तरीन सूरत। और अब आगाज हो रहा है सूरे आले इमरान का। पहली सूरत ही सूरे फातिहा जो मक्की थी, मदनी मक्की, सूरे फातिहा मक्की, सूरे बकरा मदनी, सूरे आले इमरान मदनी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था सूरे बकरा और सूरे आले इमरान जोड़े सूरत हैं। इनका क्या नाम है? अज़हरा वैन। तो शुरू में जल्दी से देखते हैं कि सूरे बकरा और आले इमरान में मुशाबहत के कुछ नुमाया पहलू क्या है। पहली ये है कि दोनों सूरतें दुआओं से भरी हुई हैं। दोनों की शुरुआत अलिफ लाम मीम से होती है। दोनों के आगाज में कुरान की अजमत बयान की गई है। दोनों के इख्तिताम पर अजीम दुआइया आयात आई हैं। हजरत इब्राहिम और खाना काबा का जिक्र दोनों में पाया जाता है। सूरे बकरा में बनी इसराइल जो बहुत इंपॉर्टेंट कौम थी उससे खिताब किया गया, और सूरे आले इमरान में नसारा ईसाइयों से खिताब किया गया है। इसका ज्यादातर हिस्सा कहते हैं कि गजवाए बदर और गजवाए ओहद के बाद नाजिल हुआ, और कुछ हिस्सा नौ हिजरी में भी नाजिल हुआ था। आइए आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुकत्तआत हैं। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो खुद जिंदा है, दूसरों को कायम रखने वाला है। इसने तुम पर ये सच्ची किताब उतारी जो पहली किताबों की तस्दीक करती है, और इसने इससे पहले तौरात और इंजील नाजिल फरमाई, लोगों को हिदायत देती हैं। और अल्लाह ने हक और बातिल में फर्क उतारा। हक और बातिल में फर्क करने वाली क्या चीज है? कुरान मजीद, अल फुरकान। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, इनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। बेशक अल्लाह पर कोई चीज पोशीदा नहीं, ना जमीन में और ना ही आसमान में। वही है जो माओं के पेटों में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरत बनाता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ मानी रखती हैं। इन आयतों को क्या कहते हैं? जो इजीली समझ आती हैं उन्हें कहते हैं मुहकमात। इनमें अहकामात होते हैं और क्लियरली आपको समझ आ जाती हैं। वो किताब की असल हैं, और दूसरी वो हैं जिनके मानी में इश्तबा है, उन्हें कहते हैं मुतशाबेहात। जो अहकामात पे मबनी है, जो इजीली समझ आ जाती हैं, उन्हें मुहकमात कहते हैं। मुश्ताबेहात में वो आयात आती हैं जिनमें जहन्नुम का, जन्नत का, या अल्लाह की जात का, या अल्लाह की कुर्सी का जिक्र किया गया है। तो या हरूफ मुकत्तआत भी इवन ले लें, तो हमें मुतशाबेहात में नहीं पढ़ना और हमें इनमें नहीं उलझना। तो वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन है, वो लोगों में फितना फैलाने की गर्ज से इन आयात का गलत मानी तलाश करने के लिए इन मुताशाबे आयतों के पीछे पड़ते हैं। बहुत से लोगों को देखा गया कि वो अपनी अकली दलील, अपनी इल्मी दलील साबित करने के लिए कहते थे कि इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है। अल्लाह ने हमें क्या कहा है कि हमें मुताशाबेहात में नहीं पढ़ना, क्योंकि फिर हमें शैतान उसमें उलझा देगा। हालांकि इसका सही मतलब अल्लाह ही को मालूम है। तो जब अल्लाह ताला कह रहे हैं किस में नहीं पढ़ना और इसका मतलब मुझे मालूम है,
कोई अकलमंद जो है वो इसमें पड़ेगा नहीं, इनसे हरगिज परहेज करें। और पुख्ता इल्म वाले कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये सब हमारे रब की तरफ से है और अकल वाले ही नसीहत मानते हैं। जिनका इल्म पक जाता है, जिनका ईमान मुकम्मल हो जाता है, वो क्या कहते हैं कि ये इल्म मेरी मेहनत से है, ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है। आगे आयत नंबर 8 और 9 में बड़ी खूबसूरत दुआ आ रही है जो कि इल्म वालों के लिए दुआ है, जो कि उनके लिए दुआ है जिनको दीन की समझ आ गई है। अब वो क्या करें, क्योंकि बहुत दफा देखा गया है कि इल्म आने के बाद करप्शन बढ़ जाती है, इंसान ज्यादा करप्ट हो जाता है, अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है, या फिर शैतान के विशेष सर्कल जो है उसमें और ही गिरता चला जाता है। तो अल्लाह सुभान व तआला से हम क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुंका रहमा इन्नका अंतल वहाब, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिल ला रैब फी इन्नल्लाह ला युख़लिफुल मीआद। ए हमारे रब, तूने हमें हिदायत अता फरमाई, अपनी हिदायत पे ज़ोम नहीं करना, अपनी हिदायत पे गरूर नहीं करना। किसने हिदायत दी? अल्लाह ने। इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, यानी अल्लाह हमें इस्तकामत देना, हमारे दिलों को हमें शैतान के हवाले, अपने नफ्स के हवाले ना करना, और हमें अपने पास से रहमत अता करना। रहमत क्या है? कि हमारा दिल दीन पे कायम हो जाए, हमारा दिल तमाम टेढ़पन से आजाद हो जाए। बेशक तू बड़ा अता करने वाला है। ए हमारे रब, बेशक तू सब लोगों को इस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शुबा नहीं है, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। बेशक काफिरों के माल और इनकी औलाद अल्लाह के अजाब से इन्हें कुछ बचा भी नहीं सकेंगी, और वही दोजख का ईंधन है। ज्यादातर गुनाह किसके लिए किया जाता है? माल की हवस में और औलाद की तड़प में। माँ हर जायज ना जायज भूल जाती है, मेरे बच्चे को ये मिल जाए, मेरे बच्चे को वो मिल जाए, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर दूं, और भूल जाती है कि अल्लाह के काम क्या थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तो उस दिन तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी, और हम लोगों के लिए वार्निंग है। देखिए, जब तक कुरान नहीं पढ़ा था, मैं भी उन माओं में से थी जो कहती थी मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाऊंगी। लेकिन कुरान हमें बताता है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हर जायज काम, हर जायज ख्वाहिशात, हर जायज जरूरत मैं जरूर उनकी पूरी करूंगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझ पे रहमत और नेमतें नाजिल की हैं। लेकिन कोई एक काम अगर अल्लाह के खिलाफ मेरे आगे वो कहें कि उसको पूरा करो, तो मैं पूरा करूंगी नहीं, और मैं अपने दिल को तसल्ली कैसे दूंगी? क्योंकि माँ का दिल कुछ ज्यादा नरम होता है, हम अपने जज्बात में ऐसे बह जाते हैं कि हम अल्लाह को पसे पुश डाल देते हैं। मैं कैसे अपने आप दिल को संभालूंगी कि मेरा औलाद और मेरा माल मेरे कुछ काम नहीं आएगा? जैसा फिरौन के मानने वालों और इनसे पहलों का तरीका था, उन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया, तो अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इन्हें पकड़ लिया, और अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। मरगूबात दुनिया में आके हमने आखरत को खराब नहीं करना, किसी भी दुनिया के फेल में पढ़ के हमने आखरत को खराब नहीं करना। इन काफरों से कह दो कि अनगरीब तुम मगलूब हो जाओगे और दोजों की तरफ हांके जाओगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इतनी जिल्लत होगी अगर हमें कोई कहे ना, हम खड़े हो, कोई कहे चल उधर चल, चलो, कितना बुरा लगता है। और उस दिन हांका जाएगा, हांका किसको जाता है? जानवरों को। मार के कहा जाएगा कि चलो दोजख की तरफ। बेशक तुम्हारे लिए इन दो ग्रहों में बड़ी निशानी है जिन्होंने आपस में जंग की। यहाँ पे गजवाए बदर की तरफ इशारा किया जा रहा है। मुसलमानों की तादाद गजवाए बदर में कितनी थी? 313। और कुफार की तादाद कितनी थी? 1000। तो 313 कितने पे गालिब आ गए? 1000 पे। अगर आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाए और जो है इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाए, तो क्या हम नहीं उनकी मदद कर सकते? लेकिन इतने बेहिस, इतने बेगैरत हो गए हमारे हुक्मरान कि आज मुसलमान कंट्री कोई उनके बारे में बोल ही नहीं रही। वो मक्का और मदीना जहां पे अल्लाह का घर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है, वहां के किंग्स भी नहीं बोल पा रहे। और आपको पता, उन्होंने यहूदियों के साथ, इसराइलियों के साथ मुआहदे कर लिए। जिस दिन फलस्तीन में हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब शेलिंग हो रही थी, जिनोसाइड हो रहा था, उस दिन सऊदीया में शकीरा का कॉन्सर्ट रखवाया गया। अब दीन
जो है वो क्या हो गया, दीन अनजान हो गया, वहां पे रहने वाले इन चीजों में पड़ गए। और अब कयामत बड़ी करीब, सब लोग अपनी तैयारी कर लें। बेशक तुम्हारे लिए इन दो गिरोहों में बड़ी निशानी है जिन्होंने आपस में जंग की। इनमें एक गिरोह वो था जो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और मैं अब देखती हूँ तो एक गिरोह वो कौन सा छोटा सा है जो अल्लाह की राह में लड़ रहा है, हमास, जिनके पास कोई एड्स नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डटे हुए हैं, वो फिर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कल वो तो सुरखरू होंगे, चाहे वो छोटी ही क्वांटिटी में क्यों ना हो। बेशक तुम्हारे लिए इन दो गिरोहों में बड़ी निशानी है जिन्होंने आपस में जंग की। इनमें एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिरों का था, जो खुली आंखों से मुसलमानों को खुद को दुगना देख रहा था। और अल्लाह अपनी मदद के साथ जिसको चाहता है ताईद फरमाता है। बेशक इसमें अकलमंदों के लिए बड़ी इबरत है, लोगों के लिए इनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता कर दिया गया। ख्वाहिशात हम पे गलबा पा गई, इनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता कर दिया गया। अब ख्वाहिशात में क्या क्या चीजें हैं, यानी औरतों और बेटों और सोने चांदी के जमा किए हुए ढेरों और निशान लगाए हुए घोड़ों और मवेशियों और खेतों, और इनके को इनके लिए आरास्ता कर दिया गया। ये दुनियावी जिंदगी का साजो सामान है और सिर्फ अल्लाह ही के पास अच्छा ठिकाना है। हमारी ख्वाहिशात किन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, औरतों या हमारे शोहरों, बेटों के इर्द गिर्द, सोने चांदी के इर्द गिर्द, निशान लगाए हुए घोड़ों, और आज क्या है, किस ब्रांड की गाड़ी आपकी, किस मॉडल की गाड़ी है आपकी, घरों में कितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें। तो दुनिया की जिंदगी को हमने क्या बना लिया, अपना माबूद। ए हबीब तुम फरमाओ, क्या मैं तुम्हें इन चीजों से बेहतर चीज बता दूं? सुनो, वो ये है कि परहेजगारों को के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे। इनके लिए पाकीजा बीवियां और अल्लाह की खुशनुदी है, और अल्लाह बंदों को देख रहा है। सबसे बड़ा इनाम जो एक मोमिन को मिलेगा वो है अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी। और वो क्या कहते हैं जो मोमिन होते हैं, वो कहते हैं रब्बना इन्ना आमन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, हम ईमान लाए तो तू हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें दोज़ख़ के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह सुबहान ताला की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह सुबहान ताला बाहें फैलाए खड़े हैं। आगे की आयत बहुत खूबसूरत है और हमें बताया जा रहा है कि कुरान के मतलूब इंसान की खूबियां क्या हैं। असौबरीना व सौदकीना वल कौनतीना वल मुनफिकीना वल मुस्तफरीना बिल असार, सब्र करने वाले और सच्चे और फरमा बरदार और राह खुदा में खर्च करने वाले, रात की आखिरी हिस्से में मगफरत मांगने वाले यानी तहज्जुद पढ़ने वाले। मुसलमान 24/7 का मुसलमान होता है, मुसलमान कोई स्पेसिफिक दिनों का या चंद घड़ियों का मुसलमान नहीं होता। और अल्लाह ने गवाही दी कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर इसके सिवा किसी की इबादत नहीं की। वही अल्लाह है, इज्जत वाला, हिकमत वाला। बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक दीन क्या है, फिरका, फलाने फिरके से मैं ताल्लुक रखती हूँ, फलाने फिरके को मैं फॉलो करती हूँ, नहीं। दीन क्या है, सिर्फ इस्लाम। और दीन हमें कहाँ से मिलेगा, कुरान और सुन्नत से। बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, और जिन्हें किताब दी गई उन्होंने आपस में इख्तलाफ ना किया मगर अपने पास इल्म आ जाने के बाद अपनी बहामी हसद की वजह से। इख्तलाफ क्यों होता है, हसद की वजह से। और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब देने वाला है। फिर ए हबीब, अगर वो तुमसे झगड़ा करे तो तुम फरमा दो, मैं तो अपना मुंह अल्लाह की बारगाह में झुकाए हुए हूँ और मेरी पैरवी करने वाले भी। और ए हबीब, अहले किताब और अनपढ़ों से फरमा दो कि क्या तुम भी इस्लाम कबूल करते हो? फिर अगर वो इस्लाम कबूल कर ले जब तो उन्होंने भी सीधा रास्ता पा लिया, और अगर वो मुंह फेर ले तो तुम्हारे ऊपर तो सिर्फ हुक्म पहुंचा देना लाजिम है। अल्लाह बंदों को देख रहा है। एक मोमिन के लिए क्या जरूरी है कि वो हुक्म पहुंचा दे, हिदायत देना अल्लाह का काम है। जब बार बार हमें ये बताया जा रहा है, बार बार ये बताया जा रहा है, फिर हम क्यों डंडे लेके सबके पीछे पड़ जाते हैं? ये मेरी बात है तमाम उन लोगों से जो दीन को फॉलो कर रहे हैं। खुदा के लिए दीन इतना मुश्किल नहीं है, अल्लाह
अल्लाह की बात मानना मुश्किल नहीं है, आप उसे मुश्किल बना देते हैं। दीन तदरीजन आया है, ग्रेजुअली सहाबा के अंदर से चीजें निकाली गई, उनको अहकामात दिए गए। तो एक इंसान जो एक सर्टन लाइफस्टाइल का आदी, आप कैसे चाहते हैं कि फौरन चेंज हो जाए? उसको टाइम दे, उसके लिए दुआ करें। बेहतरीन तोहफा मुसलमान मुसलमान को क्या दे सकता है? दुआ। अगर दिल में लगती है ना किसी का दुख लगता है कि हाय वो अपने अपने हालात की वजह से, अपनी बुराइयों की वजह से जहन्नुम में जाएगा, तो उसके लिए दुआ करें, डंडे लेके लोगों के पीछे मत पड़ जाएं। बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, वो नबियों को नाहक शहीद करते हैं, ये यहूद का जुर्म बताया जा रहा है जो वो करते थे। अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, दीन को तब्दील कर देते थे। अल्लाह ताला ने पीछे कहा है ना कि थोड़ी सी कीमत पे मेरे दीन को फरोख्त कर देते। दूसरा क्या करते थे? नबियों को नाहक शहीद करते थे और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते थे, यानी कोई कह रहा था सही बात उसे कत्ल करते थे। इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए और इनका कोई मददगार नहीं। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, कि जब इन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनका फैसला कर दे, तो फिर इनमें से एक गिरोह बेरुखी करते हुए मुंह फेर लेता है। यहूदियों को तौरात के अहकाम से रुगर्दानी उन्होंने बहुत दफा की, यहां तक कि अल्लाह ताला ने एक दफा कोहे तूर को उठा लिया कि मानते हो किताब को, पकड़ते हो या नहीं, हमारा क्या हिसाब है? उम्मते मुस्लिमा है, उम्मते वस्त है, अल्लाह की किताब को पकड़ा हुआ है। 90% ऑफ मुस्लिम्स टुडे डोंट इवन नो के मतलब क्या है कुरान का, कि लिखा हुआ क्या है, मतलबों का उनको होश ही नहीं है। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है, एक औरत थी, उस बिचारी ने एक ड्रेस पहन लिया जिसपे लिखा हुआ था हलवा, और वो हलवा लिखा हुआ था अरबी रस्मुल खत में। लोगों ने कहा गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, पकड़ के उसको बंद कर दिया, पुलिस उसको लगेगी। ये हाल है हमारे, हम इतने इलिटरेट हो चुके हैं, हमें ये नहीं पता कि लिखा क्या अरबी में। हर अरबी क्या कुरान का कलाम है, क्या अल्लाह का बात है? ओ बेवकूफ लोगों, सीखो तो सही कि लिखा हुआ क्या है। अरबी इज अ लैंग्वेज, उसमें हर चीज आयतें नहीं होती, हर चीज अल्लाह का कलाम नहीं होती। तो खुदा के लिए कुरान पढ़ें और सीखें, और अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारा हिसाब सेम यहूदियों वाला हो ही चुका है। ये जुरत इन्हें इसलिए हुई कि वो कहते थे हरगिज हमें आग ना छुएगी मगर गिनती के चंद दिन, और इन्हें इनकी ऐसी ही मनगढ़ंत बातों और इनके दीन के बारे में धोखे में डाला हुआ था। और आज हम क्या कहते हैं, थोड़े दिन चले जाएंगे जहन्नुम में फिर निकल आएंगे। मुसलमान हमेशा जहन्नुम में नहीं रहता, लेकिन जो मुसलमान जहन्नुम से निकल के आएगा उसके सर पे एक ठप्पा भी होगा। जो कैद गुजार के आता है ना, दुनिया में आ भी जाता है तो क्या कहते हैं, ये जेल से होकर आया, उसकी वो इज्जत होती है? तो जरा सोच लें हमने क्या बनना है। तो कैसी हालत होगी जब हम इन्हें इस दिन के लिए इकट्ठा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं और हर जान को इसकी पूरी कमाई दी जाएगी और इस पे जुल्म नहीं होगा। अब जो अगली आयत है इसके बारे में हदीस आती है कि कर्जों को खत्म करने वाली आयत है, पहाड़ों जितने भी कर्जे हों, और अगर इस आयत को आप पढ़ें तो आपका कर्ज इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। यूं अर्ज करो ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तो जिसे चाहता है सल्तनत अता फरमाता है और जिसे चाहता है छीन लेता है, और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तमाम भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर शय पे कुदरत रखता है। तू रात का कुछ हिस्सा दिन में दाखिल करता है और दिन का कुछ हिस्सा रात में दाखिल करता है, और तू मुर्दा से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकालता है, और जिसे चाहता है बेशुमार रिज्क अता करता है। मुसलमान मुसलमान को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए। हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे भी, और खैर जो गैर मुस्लिम में रहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक बॉर्डर लाइन बता दी कि हमने अगर रहना है गैर मुस्लिम के साथ तो हमने कैसे रहना है। मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए। दोस्त कौन होता है? जो आपके दिल के हाल से वाकिफ होता है, जो आपके हर अच्छे बुरे में आपके साथ होता है, जो बहुत करीब होता है। तो हमें काफिरों को दोस्त बनाने से मना किया गया है, और जो ऐसा करेगा तो इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये कि तुम्हें इनसे कोई डर हो और अल्लाह तुम्हें अपने गजब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तुम फरमा दो कि तुम अपने दिल की बात छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह को सब मालूम है।
और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। पीछे अगर आपको याद हो तो बताया गया था पिछले पारे में कि मुसलमान मर्द मुशरिक औरत से शादी नहीं कर सकता, मुसलमान औरत मुशरिक मर्द से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो आग की तरफ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रॉटअप ऐसा हुआ था, उनकी चीजें अंदर वो इम्बेड हुई होती हैं जो अल्लाह की शरीयत के खिलाफ होती है। दोस्ती से मना करने का मकसद ये नहीं है कि वो इंसान नहीं होता, अल्लाह चाहे तो किसको हिदायत देते, और कन्वर्ट जो हुए होते हैं वो हमसे बेहतर मुसलमान होते हैं। मतलब ये कि जब उनके साथ रहेंगे ना तो हमें गलत गलत ही नहीं लगेगा, हमें बेहयाई बेहयाई लगेगी नहीं, हम उसके बहुत ज्यादा यूज टू हो जाएंगे। याद करो जिस दिन हर शख्स अपने तमाम अच्छे और बुरे अमाल अपने सामने मौजूद पाएगा तो तमन्ना करेगा कि काश इसके दरमियान और इसके अमाल के दरमियान कोई दूर दराज की मुसाफत हायल हो जाए, और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। इतने गुनाह जब हमारे सामने लेकर बंदा कहेगा अल्लाह करे कि इससे इतनी दूरी हो जाए कि हम इसको देख ना सके, लेकिन उस दिन कुछ काम आएगा। नमाज के शुरू में जो दुआ पढ़ी जाती है दुआए इस्तफ्ता, उसमें भी हम यही कहते हैं अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैनिल खताया कमा बादत बैनिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थुबुल अबयदु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग्सिल खताया बिल माई व सल्जी वल बरद। या अल्लाह हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान दूरी डाल दे। तो दुआएं जरूर किया करें। ए हबीब फरमा दो कि ए लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ। यहाँ पे एक बहुत बारीक नुक्ता है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अतात और इत्तेबा में फर्क है, अतात और इत्तेबा में फर्क है कि हम हर वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है हम वो करें, चाहे इस पे हमारा दिल राजी हो या नाराजी हो, लेकिन हमने करनी है। इत्तेबा क्या है? हम दिल से मोहब्बत से हर उस काम को ढूंढें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और दिल की खुशी से उसको अपनाएं। तो पहला दर्जा क्या होगा कि अतात तो करनी करनी है, पसंद है नहीं पसंद है, कोई हुक्म पसंद है नहीं पसंद है, ना करना तो सवाल ही नहीं। और फिर हमने उसको किस लेवल पे लेके जाना है, उसको हमने इत्तेबा के लेवल पे इंशाल्लाह लेके जाना है। बेशक अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहिम और औलाद इब्राहिम की औलाद और इमरान की औलाद को सारे जहान वालों पर चुन लिया। अल्लाह ताला अपने बंदों को चुनता है। अपने अंदर खैर जो है ना उसको बाकी रखें, अच्छे काम करते रहें। अल्लाह जाने अल्लाह को आपकी अदा क्या पसंद आ जाए कि अल्लाह आपको चुन ले, और दुआ किया करें कि या अल्लाह मुझे चुन ले। ये एक नस्ल है जो एक दूसरे से है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। आगे जो इस पारे का नाम है आले इमरान, इमरान का घराना, उसकी बात की जा रही है। इमरान किसके वालिद का नाम था? हजरत मरियम के वालिद का नाम था। इमरान की बीवी यानी हजरत मरियम अलैहि सलाम की वालिदा बहुत नेक मुत्तकी और जाहिदा खातून थी। जब इनको हमल हुआ यानी जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने अल्लाह के हजूर ये अर्ज किया, परवरदिगार ये बच्चा जो मेरे पेट में है जिसे तू पैदा फरमा रहा है इसे मैं तेरी नजर करती हूँ, हम इस पर दुनियावी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालेंगे, ये खालिस्तन तेरी खिदमत के लिए वक्फ किया जाएगा। हम दुआ मांगते हैं औलाद की, या अल्लाह में बच्चा देते हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। लेकिन जो मुत्तकी माएं होती हैं, जो परहेजगार माएं होती हैं, वो बच्चा आया भी नहीं है कि मैं अगर एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये बच्चा मैंने अल्लाह तेरी राह में लगा देना है। ये फर्क होता है एक नेक और परहेजगार माँ में। याद करो जब इमरान की बीवी ने अर्ज किया ए मेरे रब मैं तेरे लिए नजर मांगती हूँ कि मेरे पेट में जो औलाद है वो खास तेरे लिए आजाद वक्फ है, तो तू मुझसे ये कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनने वाला है। फतकबल मिन्नी, मुझसे कबूल कर ले, नहीं का इरादा कर रही है लेकिन साथ साथ दुआ कर रही है कबूल कर ले। हजरत इब्राहिम खाना काबा बना रहे थे लेकिन साथ क्या दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला ये कबूल कर ले। नेकी करते भी ईमान वाले साथ दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ये कबूल कर ले। फिर जब इमरान की बीवी ने बच्ची को जन्म दिया तो इसने कहा ए मेरे रब मैंने तो लड़की को जन्म दिया है, हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है जो इसने जना है, और वो लड़का जिसकी ख्वाहिश थी इस लड़की जैसा नहीं है जो इसे अता की गई है। और इसने कहा मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा, और मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह में देती हूँ।
जो अच्छी माएँ होती हैं वो सिर्फ अपने बच्चों का नहीं बल्कि बच्चों की नस्लों के लिए भी दुआ करती हैं, जैसे हजरत इब्राहिम ने नस्लों तक के लिए दुआ कर ली। हमारे लिए अमल का मोती क्या है कि हमने भी अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए बहुत सी दुआएं करनी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्होंने क्या कहा कि मैं इस बच्ची को तेरे लिए छोड़ी हूं लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि तू इसको और इसकी औलाद को शैतान के शर से दूर रखे। नेकी का इरादा करना है लेकिन शैतान के शर से पनाह जरूर मांगनी है क्योंकि शैतान जरूर बहकाएगा। तो इसके रब ने इसे अच्छी तरह कबूल किया और उसे खूब परवान चढ़ाया और जिक्रिया को इसका निगेबान बनाया। जब भी जिक्रिया इसके पास इसकी नमाज पढ़ने की जगह जाते तो इसके पास फल पाते। जिक्रिया ने सवाल किया, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है? उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क अता फरमाता है। अब हम जैसा, आप जैसा कोई कमजोर ईमान वाला होता तो कहता वाह वाह, ये तो कितनी पहुंची हुई है, अल्लाह ताला ने फल भेजते हैं, इनसे दुआ करा लेते। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का अमल क्या था वो आगे देखें। वहीं ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगी, उन्होंने हजरत मरियम को नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ करें, उन्होंने खुद अपने लिए वहां दुआ मांगी। वहीं ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगी, अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे अपनी बारगाह से पाकीजा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने इसे पुकार कर कहा, जबकि वो अपनी नमाज की जगह खड़े नमाज पढ़ रहे थे, कि बेशक अल्लाह आपको याह्या की खुशखबरी देता है जो अल्लाह की तरफ के एक कलमे की तस्दीक करेगा और वो सरदार होगा और हमेशा औरतों से बचने वाला और सौहलेहीन में से एक नबी होगा। फौरन अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली और हजरत ज़करिया को हजरत याह्या की खुशखबरी दे दी। अर्ज की, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा? ये पता मुझे कैसे लगता है, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ा ओहदा दे देना और जब मिल जाता है फिर हम परेशान हो जाते हैं, हम इसको कैसे निभाएंगे। सेम दुआ तो कर दी, अब खुद ही कह रहे हैं, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा, हालांकि मुझे बुढ़ापा पहुंच चुका है और मेरी बीवी भी भांज है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह यूं ही जो चाहता है करता है। तमाम लोग जिनकी औलाद नहीं है उम्र के जिस हिस्से में भी है बिल्कुल मायूस। अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बहुत सी एग्जांपल्स से बताया है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो मर्जी कह दें, आप उम्र के जिस हिस्से में भी हों, अगर अल्लाह चाहेगा तो आपको औलाद मिल जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में नहीं मिली तो आपको नहीं मिलेगी। अर्ज की, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा, हालांकि मुझे बुढ़ापा पहुंच चुका है और मेरी बीवी भी बांझ है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह यूं ही जो चाहता है करता है। अर्ज की, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों में सिर्फ इशारे से बातचीत कर सकोगे और अपने रब को कसरत से याद करोगे और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते रहोगे। अल्लाह से मांगे फिर अल्लाह कोई तौफीक दे दे तो तकब्बुर में ना आ जाएं, गुरूर में ना आ जाएं, दुनिया में महव ना हो जाएं, बल्कि क्या करें, अल्लाह का जिक्र और ज्यादा कर दें, उसकी पाकी और ज्यादा बयान करें। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। बार बार क्या लफ्ज आ रहा है, चुन लिया। या अल्लाह, हम सब जितने इस महफिल में, या अल्लाह हम सबको तू अपने लिए चुन ले, आमीन या रब्बुल आलमीन। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें खूब पाकीजा कर दिया है और तुम्हारे सारे जहां की औरतों पे मुंतखब किया है। औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश क्या है? उसकी इज्जत की आजमाइश। और अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी आजमाइश ली, एक बच्ची जो पैदा हुई और पैदा होते ही अल्लाह के राह में लग गई और उसके अंदर भी इतनी खैर थी और अल्लाह की इबादत में मगन रहती थी, मशहूर थी कि पाक है, इबादत गुजार है, कितनी बड़ी आजमाइश। और हम गुनाहगार होते हुए छोटी छोटी आजमाइशों से डर जाते हैं। जब भी दुनिया में कोई आजमाइश आए ना जिंदगी में, तो यकीन रखिएगा अगर हम उस पर सब्र करेंगे, अल्लाह की रस्सी को थामे रखेंगे, तो बेहतरीन नेमुल बदल अदा देगा। और इस आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ने इनको क्या दे दिया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और रहती दुनिया तक इनको हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना दिया। ए मरियम, और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें खूब पाकीजा कर दिया और तुम्हारे सारे जहानों की औरत पर मुंतखब कर लिया। ए मरियम, अपने रब की
ए मरियम अपने रब की फरमा बरदारी करो और इसकी बारगाह में सजदा करो और रुकू वालों के साथ रुकू करो। यहाँ पे बाजमात नमाज की तरफ इशारा किया गया है। ये गैब की खबरें हैं जो हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं। औरतें भी बाजमात नमाज में जा सकती हैं, ये इसकी तरफ इशारा है। वरकई मा अर्राकईन, और सजदा करो और रुकू वालों के साथ रुकू करो। और तुम इनके पास मौजूद ना थे जब वो अपने कलमों से कुर्रा डालते थे कि इनमें से कौन मरियम की परवरिश करेगा, और तुम इनके पास ना थे जब वो झगड़ रहे थे। और याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, हजरत मरियम की परवरिश के लिए कुर्रा डाला गया था और उसमें हजरत जकरिया का नाम निकला था, तब उन्हें मुंतखब किया गया था कि आपकी सुपरविजन में ये परवरिश पाएंगी। और याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपनी तरफ से खास कलमे की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, वो दुनिया और आखिरत में बड़ी इज्जत वाला होगा। हजरत ईसा की सिफात बताई जा रही है। नंबर एक, वो दुनिया और आखिरत में बड़ी इज्जत वाला होगा और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा। इज्जत वाला होगा और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा, और वो लोगों से झूले में और बड़ी उम्र में बात करेगा। हजरत ईसा जो थे वो पैदा होते ही झूले में बोलने लग गए थे, जब वो बच्चे थे वो बोलने लग गए थे, ये भी मौजा था, और खास बंदों में से होगा। मरियम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, मुझे तो किसी शख्स ने हाथ भी नहीं लगाया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह यूं ही जो चाहता है पैदा करता है, जब वो किसी काम का फैसला फरमा लेता है तो इसे सिर्फ इतना फरमाना होता है, कुन फयकून, हो जा, तो वो काम फौरन हो जाता है। और अल्लाह इसे किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाएगा। इनामात बता रहे हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या सिखाई, किताब सिखाई, हिकमत सिखाई, तौरात सिखाई, इंजील सिखाई। और वो ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा, और वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया होगा, वो ये कि तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन परिंदा बन जाएगा। बार बार जो नबी आए जब वो कोई मौजा दिखाते थे तो क्या कहते थे, अल्लाह के हुक्म से। तो इसका मतलब है कि इसमें उनकी अपनी कोई करामत नहीं थी, ये मौजा अल्लाह ने उनको दिया हुआ था। तो अल्लाह के हुक्म से फौरन परिंदा बन जाएगा, और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ, और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारी बड़ी निशानियां हैं। ये वो मोजजात हैं जो हजरत ईसा को दिए गए, और मुझसे पहले जो तौरात किताब है इसकी तस्दीक करने वाले बनकर आए। जो भी नबी आया था कभी वो ये नहीं कहता था कि मैं पुरानी किताब को झुटलाता हूँ, वो क्या कहता था, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, करने वाला बनकर आया हूँ, और इसलिए कि तुम्हारे लिए कुछ वो चीजें हलाल कर दूं जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। हर नबी ने क्या कहा कि अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। अब आगे जो आ रहा है इससे पहले थोड़ी सी तमहीद आपको सुननी पड़ेगी। हवारी के असल मानी धोबी के हैं जो कपड़े को धोकर साफ करता है। ये लफ्ज़ फिर आगे बढ़कर अपने अखलाक और किरदार को साफ करने वालों के लिए इस्तेमाल होने लगा। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तबलीग ज्यादातर गलीली झील के किनारों पर होती थी, जो समंदर की तरह बहुत बड़ी झील है। आप अलैहिस्सलाम कभी वहाँ कपड़े धोने वाले धोबियों में भी तबलीग करते थे, और कभी मछलियाँ पकड़ने वाले मछेरों को दावत देते थे। आप अलैहिस्सलाम इनसे फरमाया करते थे कि ए मछलियों का शिकार करने वालों, आओ मैं तुम्हें इंसानों का शिकार करना सिखाऊं। आप अलैहिस्सलाम ने धोबियों में तबलीग की तो इनमें से कुछ लोगों ने अपने आप को पेश कर दिया कि हम आपकी जिद्दोजहद में अल्लाह के मददगार बनने को तैयार हैं। ये आप अली सलाम के अवलीन साथी थे जो हवारी कहलाए। इसी तरह हवारी का लफ्ज़ साथी के मानी में भी इस्तेमाल होने लगा। यहूद के उल्मा और फरीसी हजरत मसीह अली सलाम के खिलाफ मुख्तलिफ चालें चल रहे थे कि किसी तरह ये कानून की गिरफ्त में आ जाएं और इनका काम तमाम कर दिया जाए। इन लोगों ने आजनाब अली सलाम को मुर्तद और वाजिबुल कत्ल करार दे दिया था, लेकिन मुल्क पर सियासी इक्तदार चूंकि रूमियों का था, लिहाजा रूमी गवर्नर की तौसीक के बगैर किसी को सजाए मौत नहीं दी जाती थी।
मुल्क का बादशाह अगरचे यहूदी था लेकिन इसकी हैसियत कठपुतली की बादशाह की सी थी, जैसे अंग्रेजी हुकूमत के तहत मिस्र के शाह फारूक होते थे। यहूद की मजहबी अदालतें मौजूद थीं जहां इनके उल्मा मुफ्ती सी बैठ कर फैसले करते थे, और अगर वो सजाए मौत का फैसला दे देते तो इस फैसले की एग्जीक्यूशन रूमी गवर्नमेंट के जरिए होती थी। इस सूरत हाल में उल्मा यहूद के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो हजरत मसीह को रूमी कानून की जद में लाने के लिए अपनी सी चालें चल रहे थे। वो आप अली सलाम से इस तरह के उल्टे सीधे सवालात करते कि आप अली सलाम के जवाबात से ये साबित किया जा सके कि ये शख्स रूमी हुकूमत का बागी है। यहूद की इन चालों का तोड़ करने के लिए अल्लाह ने अपनी चाल चली। अल्लाह की चाल क्या थी, इसकी तफसील कुरान या हदीस में नहीं है बल्कि इंजील बर्नबास में है, जो पोप की लाइब्रेरी से बरामद हुई। चुनाचे इंजील बर्नबास के मुताबिक हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक हवारी यहूदा इस्कियोरती को यहूद ने रिश्वत देकर इस बात पर राजी कर लिया कि वो मुखबरी करके आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कराए। अल्लाह ताला ने इसी गद्दार हवारी की शक्ल हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की इसी बदल दी। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम इस वक्त एक बाग में रूपोश थे। आप अलैहिस्सलाम इस बाग के अंदर बनी हुई एक कोठरी में रात के वक्त इबादत में मशगूल थे, जबकि आप अलैहिस्सलाम के 12 हवारी बाहर मौजूद थे। उस वक्त वो शख्स वहां से चुपके से सटक गया और जाकर सिपाहियों को ले आया ताकि आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर सके। ये रूमी सिपाही थे और किंदीले लेकर आए। उसने सिपाहियों से कहा कि मैं अंदर जाऊंगा, जिस शख्स को मैं कहूँ ए हमारे उस्ताद, बस इसी को पकड़ लेना, वही मसीह है। रूमियों को पता नहीं था कि मसीह कौन है। ये शख्स जैसे ही कोठरी के अंदर दाखिल हुआ, उसी वक्त कोठरी की छत फटी और 4 फरिश्ते नाजिल हुए जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए। अल्लाह ताला ने इस शख्स की शक्ल तब्दील करके हजरत मसीह अलैहिस्सलाम वाली शक्ल बना दी। अब ये घबरा कर बाहर निकला तो दूसरे हवारियों ने इससे कहा, ए हमारे उस्ताद। ये सुनते ही सिपाहियों ने इसे काबू कर लिया और असल में यही शख्स सूली चढ़ा है, ना कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम। ये सारी तफासील इंजील बर्नबास में मौजूद है। ये शहादत दर हकीकत नसारा ही के घर से हमें मिली है, और कुरान का जो बयां है इसमें ये पूरी तरह फिट बैठती है कि उन्होंने अपनी सी चालें चली और अल्लाह ने अपनी चाल चली, और अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा सबका रब है, तो इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने इनसे कुफर पाया तो फरमाया, अल्लाह की तरफ होकर कौन मेरा मददगार होता है? मुखलिस साथियों ने कहा, हम अल हवारियूना का लफ्ज जो है कुरान में उनके लिए आया है, कहा हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। अंसारुल्लाह भी आया इनके लिए, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप इस पर गवाह हो जाएं कि यकीनन हम मुसलमान हैं। हर नई शरीयत जो थी उसके आने से पहले पिछले लोग क्या होते थे? मुस्लिम, अल्लाह को मानने वाले। तो इस्लाम क्या भी आया? इस्लाम तो हजरत आदम के जमाने से आया, हमने आगे जाके उसको खुद सब डिवाइड कर दिया। और फिर उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हम इस किताब पर ईमान लाए जो तूने नाजिल फरमाई, और हमने रसूल की तबा की, बस हमारी गवाही देने बस हमें गवाही देने वालों में से लिख दे। और काफिरों ने खुफिया मंसूबा बनाया और अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई। ये वही मंसूबा था जिसका मैंने आपको पहले बताया है, व मकरू व मकर अल्लाह। और काफिरों ने खुफिया मंसूबा बनाया और अल्लाह ने खुफिया तदबीर बनाई, और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा, यानी क्या है कि वो जल्दी कत्ल नहीं कर दिए जाएंगे, उनको उठा लिया जाएगा, वो अपने बुढ़ापे तक पहुंचेंगे। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा। हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हजरत ईसा को जिंदा उठा लिया गया है, क्योंकि कुरान इसकी बिशारत देता है, और तुझे काफिरों से निजात अता करूंगा और तेरी पैरी करने वालों को कयामत तक मुनकरों पर गालिब करूंगा। फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे, तो जिन बातों में तुम झगड़ा कर रहे थे इन बातों का मैं तुम्हारे दरमियान फैसला कर दूंगा। बस जो लोग काफिर हैं तो मैं इन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार नहीं होगा। और जो ईमान लाए
और अच्छे काम किए, बार बार एक ही बात आ रही है, ईमान लाना है और अच्छे काम किए, तो अल्लाह ने इनका पूरा पूरा अजर फरमाएगा और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ये जो हम तुम्हारे सामने पढ़ते हैं कुछ निशानियां हैं और हिकमत वाली नसीहत है। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है, जिसे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, फिर इसे फरमाया हो जा, तो वो फौरन हो गया। ए सुनने वाले, हक तेरे रब की तरफ से है, बस तुम शक करने वालों में से ना होना। फिर ए हबीब, तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद जो तुमने ईसा के बारे में झगड़ा करे, तो तुम इनसे फरमा दो, आओ हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को मुकाबले में बुला लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के को खुदा मानने वालों को मुबाहले की दावत दी जा रही है। हम तुम सबको बुला लेते हैं, फिर मुबाहला करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत डालते हैं। बेशक यही सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह ही गालिब है, हिकमत वाला है। फिर अगर वो मुंह फेरें तो अल्लाह फसाद करने वालों को जानता है। ए हबीब, तुम फरमा दो, ए अहले किताब, ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे। तबलीग का पहला असूल है सिर्फ ये बताएं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और किसी को इसका शरीक ना ठहराएंगे, और हम में कोई एक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को रब ना बनाएगा। फिर अगर वो मुंह फेर लें तो ए मुसलमानों, तुम कह दो, तुम गवाह रहो कि हम सच्चे मुसलमान हैं। अल्लाह पे यकीन रखने वालों को एक लफ्ज से मुखातिब किया, वो है मुसलमान। ए अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तो रैत और अंजील तो उतरी ही उनके बात है। झगड़ते थे ये कि यहूदी कहते थे इब्राहिम का ताल्लुक हमसे है, ईसाई कहते थे उनका ताल्लुक हमसे, तो कह रहे तुम क्यों झगड़ते हो? तौरात और जबूर तो उतरी ही इनके बात से, यानी तुम सारे इब्राहिम से रिलेटेड हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं है? सुन लो, तुम वही लोग हो जो पहले इस मामले में झगड़ते थे जिसका तुम्हें इल्म था, तो अब इसमें क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, बल्कि वो हर बातिल से जुदा रहने वाले हनीफम मुसलिमन, हर बातिल से जुदा रहने वाले मुसलमान थे और मुशरिकों में से ना थे। उनके लिए हनीफ का वर्ड यूज किया है, हनीफम मुसलिमन, फोकस्ड मुस्लिम थे। उनका फोकस जो था तमाम का तमाम अल्लाह सुबहान तआला की जात पे था। और एक कुरान के मतलूब इंसान का फोकस कहाँ होना चाहिए? अल्लाह की जात पे। वी शुड बी फोकस्ड मुस्लिम्स। बेशक सब लोगों से ज्यादा इब्राहिम के हकदार वो हैं जो इनकी इत्तबा करें। आज भी हम बड़े बड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावे करते हैं, इत्तबा करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं? नहीं। बेशक सब लोगों से ज्यादा इब्राहिम के हकदार वो हैं जिनकी इत्तबा करें, और ये नबी और ईमान लाने वाले और अल्लाह ईमान लाने वालों का मददगार है। किताबियों का एक गिरोह दिल से चाहता है कि किसी तरह तुम्हें गुमराह कर दे, और वह जरूर खुद को गुमराह कर रहे हैं और इन्हें शऊर नहीं है। एक किताबियों, अल्लाह की आयतों के साथ कुफर के साथ क्यों कुफर करते हो, हालांकि तुम खुद गवाह हो? ए किताबियों, हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो और क्यों छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो? और अब आगे 72 और 73 में एक यहूद की साजिश की तरफ निशानदेही की गई है। और किताबियों के एक गिरोह ने कहा, जो ईमान वालों पर नाजिल हुआ है, सुबह को इस पर ईमान ला और शाम को इनकार कर दो। हो सकता है कि इस तरह मुसलमान भी इस्लाम से फिर जाएं। और मजीद आपस में कहा कि सिर्फ इसी का यकीन करो जो तुम्हारे दीन की पैरवी करने वाला हो। ए हबीब, तो फरमा दो कि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ही देता है, और ये साजिशी आपस में कहते हैं इसका भी यकीन ना करो कि किसी और को भी वैसा मिल सकता है जो तुम्हें दिया गया हो, या कोई तुम्हारे रब के पास तुम्हारे ऊपर गालिब आ सकता है। आज का मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को देखता है गलत काम करते हुए, तो क्या सोचता है, ये भी तो मुस्लिम है, ये कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं भी कर लूंगा। सेम वही सिनेरियो जो था वो पहले भी हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला सख्त गिरफ्त करता है। ए हबीब, तुम फरमा दो कि फजल तो यकीनन अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है खास फरमा लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में कोई तो है कि अगर तुम इसके पास एक ढेर की भी इमानत रख दो, तो वो तुम्हें पूरा पूरा अदा करेगा।
अब क्या बताया जा रहा है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सारे यहूदी भी बुरे नहीं थे, सारे ईसाई भी बुरे नहीं थे, और अहले किताब में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम इसके पास एक ढेर भी इमानत का रख दो तो वो तुम्हें पूरा पूरा अदा कर देगा। और उन्हीं में से कोई वो है कि अगर तुम इसके पास एक दिनार भी इमानत रख दो तो जब तक तुम इसके सर पर खड़े नहीं रहोगे तो वो तुम्हें अदा नहीं करेगा। इनकी ये बददयानती इस वजह से है कि वो कहते हैं कि अनपढ़ों के मामले में हम में से कोई पूछ कुछ नहीं होगी, और ये अल्लाह पर जानबूझकर झूठ बांधते हैं। यहूदी अपने आप को सुपीरियर समझते थे, कहते हम जैसा मर्जी सलूक कर लोगों से, हमसे पूछ कुछ नहीं होगी। क्यों नहीं, जो अपना वादा पूरा करे और परहेजगारी इख्तियार करे तो बेशक अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत फरमाता है। अगर हमें कुरान का मतलूब इंसान, अल्लाह का फेवरेट इंसान बनना है तो हमने क्या बनना है, परहेजगार। बेशक वो लोग जो अल्लाह के वादे और अपनी कस्मों के बदले थोड़ी सी कीमत लेते हैं, इन लोगों के लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और अल्लाह कयामत के दिन ना तो इनसे कलाम फरमाएगा और ना इनकी तरफ नजर करेगा और ना इन्हें पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। और यकीनन इन अहले किताब में से कुछ वो हैं जो जुबान को मड़ोड़ कर किताब पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि ये भी किताब का हिस्सा है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है। और ये लोग कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो हरगिज अल्लाह की तरफ से नहीं है। और ये लोग जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं। किसी आदमी को ये हक हासिल नहीं कि अल्लाह इसे किताब और हिकमत और नबूवत अदा करे फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करो। ये क्या है, दीन में भी गिरोह बन जाते हैं। हमारा काम क्या है, कुरान की तरफ अल्लाह की तरफ बुलाना, किसी शख्सियत परस्ती में नहीं पढ़ना। ये शख्सियत परस्तों की बात हो रही है। किसी आदमी को ये हक नहीं कि अल्लाह इसे किताब और हिकमत और नबूवत अता करे फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करने वाले बन जाओ, बल्कि वो ये कहे कि अल्लाह वाले बन जाओ। कोई ऐसा ग्रोह जो आपको कहे कि सिर्फ हमसे अटैच हो जाए, हमारे साथ सिर्फ जुड़ जाए, दूसरी से नहीं, नहीं, हर अल्लाह वाले के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या बनना है, अल्लाह वाला बनना है। क्योंकि क्योंकि तुम किताब और तालीम देते हो, और इसलिए कि तुम खुद भी इसे पढ़ते हो, और ना तुम्हें ये हुक्म देगा कि फरिश्तों और नबियों को रब बना लो, क्या वो तुम्हें तुम्हारे मुसलमान होने के बाद कुफर का हुक्म देगा। और याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, एक वादा वो था जो वादा अलस्त की सूरत में अल्लाह ताला ने हमसे लिया, और अब उस वादे की क्या जिक्र हो रहा है जो अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से लिया था। और याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूंगा, फिर तुम्हारे पास वो अजमत वाला रसूल तशरीफ लाएगा। कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की बात है, यानी तमाम नबी जो आए थे वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम जो हैं वो आने वाले हैं। फिर तुम्हारे पास वो अजमत वाला रसूल तशरीफ लाएगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाने वाला होगा, तो तुम जरूर जरूर इस पर ईमान लाना और जरूर जरूर इसकी मदद करना। अल्लाह ने फरमाया ए अंबिया क्या तुमने इस हुक्म का इकरार कर लिया और इस इकरार पर मेरा भारी जिम्मा ले लिया। सब ने अर्ज की, हमने इकरार कर लिया। अल्लाह ने फरमाया तो अब एक दूसरे पर भी गवाह बन जाओ और मैं खुद भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फिर जो कोई इस इकरार के बाद रुगर्दानी करेगा तो वही लोग नाफरमान हैं। क्या लोग अल्लाह के दीन के अलावा कोई दीन चाहते हैं, हालांकि आसमानों और जमीन में जो कोई भी है वो सब खुशी या मजबूरी से इसकी बारगाह में गर्दन झुकाए हुए है और सबको इसी की तरफ लौटाया जाएगा। और तुम यूं कह दो कि हम अल्लाह पर और जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया और इस पर जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और इनकी औलाद पर नाजिल किया गया इस पर ईमान लाते हैं, और जो मूसा और ईसा और नबियों को इनके रब की तरफ से दिया गया इस पर भी ईमान लाते हैं। नेज हम ईमान लाने में इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते और हम इसी की बारगाह में गर्दन झुकाने वाले हैं। शुरू में तफरीक भी रसूल से मना किया गया, आखिर में भी वही मौजू आ गया, और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा तो वो इसे हरगिज कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा
जिन्होंने ईमान के बाद कुफर की राह इख्तियार की और वो इस बात की गवाही दे चुके थे कि के रसूल सच्चा है, और इन लोगों के पास रोशन निशानियां भी आ चुकी थी, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। यही वो लोग हैं जिनका बदला ये है कि इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों सब की लानत है। अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिन्हुम, हमेशा इसमें रहेंगे और ना इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी, सवाए इन लोगों के जिन्होंने कुफर के बाद तौबा कर ली और अपनी इसलाह की। द रोड टू सक्सेस में हमने एक टॉपिक कवर किया था तौबा का। आप तौबा की बहुत सी इंफॉर्मेशन उससे ले सकते हैं। जो लोग तौबा कर लेते हैं, अपनी इसलाह करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक वो लोग जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, फिर कुफर में और बढ़ गए, तो इनकी तौबा हरगिज कबूल नहीं की जाएगी, और यही लोग गुमराह हैं। बेशक वो लोग जो काफिर हुए और काफिर ही मर गए, इनमें से कोई अगरचे अपनी जान छुड़ाने के बदले में पूरी जमीन के बराबर सोना भी दे देगा, तो हरगिज कबूल ना किया जाएगा। इनके लिए दर्दनाक आजाब है और इनका कोई मददगार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्ला, हमने आज का पारा कंप्लीट किया। अब मैं चाहूंगी जल्दी से हम बहुत से जो अमल के पॉइंट्स हैं हमने जो लिए हैं वो हम शेयर करें। जी शाबाश, नेकी करनी है तो ताना नहीं देना, जताना नहीं है वरना नेकी बर्बाद हो जाएगी। जी बेटा माशाल्लाह, माशाल्लाह सदका देना है। सूद क्या करता है? चीजों को बर्बाद करता है, और सदका क्या करता है? बढ़ाता है। जी जल्दबाजी नहीं करनी, और जो कुछ कराने आया है वादा अदा वसमेना वो हमें सुनना और मान लिया। बिल्कुल जी, हमें उस फाइल में पढ़ा कि शुरू में तो हमने अल्लाह का मतलब खुशी में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला के सिवा को जो माबूद नहीं है, और मतलब उसकी पावर सबसे ज्यादा है अल्लाह की, जिसके मुताबिक कोई इंसान मतलब उस जैसा नहीं बन सकता। हमें अल्लाह की सबसे ज्यादा अताअत करनी चाहिए और अल्लाह की पैरवी करनी चाहिए और उसके रसूल को मानना चाहिए और आखिरत पे यकीन रखना चाहिए। माशाल्लाह लहु तल्ला बिल्ला, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, अमल की तौफीक दे। जी अल्लाह का हाल में शुक्र अदा करना है, और जो के मुअत्तर अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें नशें आती हैं उसी से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि मुसीबतों और साथ से अल्लाह ताला ही बचाता है। अल्लाह का हाल दुआ सफर से मदद मिलती है। बेशक जी जनाब, अल्लाह ताला ने जितना हमारी इस्लाम में पॉइंट आउट करते जा रहे हैं ये चीजें नकाब देना है। तो 263 सुन बकरा के अजमत कौलम और मतलब मीठा बोल और दूसरों को माफ कर देना, ये ऐसी सिफ्त है कि जिसकी वजह से अपन हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इसी सिफ्त की बिना पे इंशाल्लाह जनाब तो फिर दोस्त में जरूर लेके जाए। आमीन। जी जनाब, अल्लाह ने जो माल आपको दिया है, जो रिस्क दिया है, उसमें कैटेगरीज बना के लोगों को दें। जितना कर्ज किसी को दें उसकी लिखत पढ़त इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सुमेरा, आप काइंडली शेयरिंग करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ये हमने सीखा है कि रियाकारी नहीं करनी, और जो खर्च करना है वो मैक्सिमम कोशिश करना है कि जरूरतमंदों पे खर्च करना है, और फजूल खर्ची नहीं करनी, और अगर किसी की मदद की है तो उसको शो ऑफ नहीं करना। बिल्कुल माशाल्लाह लको तआला बिल्ला। जी जी, आज की हमने लेसन से ये लर्न किया है कि सूरत अल इमरान में जे अल्लाह, हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पर कादिर है। जिस तरह अल्लाह ताला जो है वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बिना वालिद के बिना बाप के औलाद अता कर सकते हैं, तो इस तरह हमारे अल्लाह जो है वो हर चीज़ पर कादर है, और हमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली तमाम नस्लों के लिए भी हदायत मांगनी है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो दीन पर चलें। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ नुकात सीखे जो कि कुरान का मतलूब इंसान होने के लिए है, जिसमें जो सब्र करना है, कफायत शारी करना है, सूद से इनकार करना है, और अपने अब जो भी इस्लाम में एक तरीका है अगर आप किसी से लेन देन करें तो उसको जो है वो लिखना किस तरीके से है, ये चीजें हमने जो है वो आज के लेसन में सीखी हैं। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर कसीरा। पारा नंबर 3 में हमने देखा कि कुरान का मतलूब इंसान वो होता है जो तफरीक बैन रसूल नहीं करता,
माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला होता है, अल्लाह की अजमत का दिल से यकीन करने वाला और उसकी नेमतों पर गरूर नहीं करने वाला होता, दीन कबूल करने पर किसी को मजबूर नहीं करता, सबीलुल रुश्द पर चलने वाला होता है और दुनिया के सहारे तलाश नहीं करता। दुनिया का मालिक सिर्फ अल्लाह है ये मानता है और अल्लाह के पैगाम को फैलाने में खूब खूब मसरूफ़ रहता है, किसी की मदद करके एहसान नहीं जतलाता। कौलुन मारूफ, मारूफ कौल मीठा बोल बोलने वाला होता है, माफ़ करने वाला होता है, ताने नहीं देता, खुद परस्त नहीं होता, अल्लाह की आयतों पर गौर व फिक्र करने वाला होता है कुरान का मतलूब इंसान। महबूब अशिया अल्लाह की राह में खर्च करने वाला होता है, अल्लाह के फजल और बख्शिश की उम्मीद रखता है, सदका देता है, दीन की अशात के लिए मदद करता है, सूद को ना खाने वाला कुरान का मतलूब इंसान होता है, नमाज और ज़कात देता है, अल्लाह से डरता है, मकरूज़ को मोहलत देता है, योम क़यामत का यकीन रखता है, माशी मामलात में मौईदे लिखने वाला होता है, ईमानदार और शहादत को नहीं छुपाता, ईमानदार होता है और गवाहियों को शहादतों को नहीं छुपाता, अल्लाह के हर हुक्म पे कहता है समेना व आताना, भूल चुक पे माफ़ी मांग लेता है, हक और बातिल का फ़र्क करने वाला होता है, मुतशाबहात में नहीं पड़ता, कुरान का मतलूब इंसान दुआ का विर्द करता है, अपनी और अपने घर वालों की सिर्फ जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहता है, दुनिया के लिए अपनी आखरत ख़राब नहीं करता, मरहूब नफ्स औरतें औलाद सोने चांदी और ढेर घोड़ों मवेशियों और ज़राए ज़मीनों से मोहब्बत नहीं रखता, तकवा की रविश अख्तियार करता है और हर वक्त अल्लाह के सामने सरबसजूद रहता है, परहेज़ करता है, अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर नहीं बेचता, शख्सियत परस्ती में मुब्तला नहीं होता, वादों को पूरा करने वाला होता है, तमाम अंबिया को मानता है, कुरान का मतलूब इंसान, इंसानियत की खिदमत करने वाला, इंसानियों के हकूक देने वाला होता है। दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला आपके अमल के मोतियों में इजाफा करे, हम सबको बेहतरीन पॉइंट्स देने की तौफीक दे और हमें अमल करने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अज़िनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अज़िनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अज़िनी मिनन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्कन तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। या अल्लाह, या गफ़ूरुर रहीम, या अरहमुर राहिमीन, अलहई अलकयूम, तमाम दुनिया के बनाने वाले हमारे खालिक हमारे मालिक, या अल्लाह तेरा हम पे इतना करम है, इतना फजल है कि तूने हमें तौफीक दी कि हम आए तेरे कलाम को पढ़ें। या अल्लाह जो हमने पढ़ा है सुना है, या अल्लाह इस को कबूल और मकबूल फरमाना। या अल्लाह हम सब की नियत खालिस तन तुझे राजी करने की है, या अल्लाह हम सब से राजी हो जा। या अल्लाह हमें, हमारी नस्लों को, हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को दीन पे चलने वाला, दीन की अशात करने वाला बनाना।
या रबुल इज्जत हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श देना, बेशक तू ही तो कहता है कि एक कदम मेरी तरफ आओ मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। या अल्लाह हम अपने टूटे फूटे कदम दिए हुए तेरी तरफ बढ़े। या अल्लाह हमें तौफीक देना कि हम इस रास्ते पे इस्तकामत से रहें। या अल्लाह हमारी तौबाओं को कबूल फरमाना। या अल्लाह जहालत में जो हम गुनाह कर बैठे हैं, जो जुल्म हम अपने साथ कर बैठे हैं, या अल्लाह उस पे हमारी पकड़ ना करना। या अल्लाह हमें तेरी मखलूक के हक में आसानी करने वाला, उनको नफा देने वाला बनाना। या रबुल इज्जत या गफूरुर रहीम हमारे माल में बरकत अता फरमाना, हम सबको रिस्के हलाल अता फरमाना। कोई मेरी बहन कोई मेरा भाई सूद में अगर मुलव्वस है, या अल्लाह उसको उससे निजात देना। या अल्लाह उनके लिए बेहतरीन रास्ते बनाना। या रबुल इज्जत उनके लिए बेहतरीन रास्ते बनाना। या रबुल इज्जत हमें ऐसा बनाना कि हम बेहतरीन तरीके से अपनी नस्लों की तरबियत कर सकें। या अल्लाह उनको हमारे लिए सदका जारिया बनाना और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाना। या अल्लाह दुनिया की मोहब्बत दुनिया की हिर्स हमारे दिलों से निकाल देना, हमारी नजरें आखिरत पे लगा देना। या अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाना। या अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाना। या अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाना। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हम सबको आला मकाम अता फरमाना। या अल्लाह उस तक पहुँचने के लिए जो अमल अमर जो अमाल जिन अमाल की जरूरत है, या अल्लाह हमें वो करने वाला बनाना। या रब्बुल इज्जत या गफूरुर रहीम या अरहमुर राहिमीन। हम बहुत गुनाहगार हैं मेरे अल्लाह, हमें माफ कर दो। यार हम सबका खात्मा बिल खैर कर। यार हमारा खात्मा बिल खैर कर। या अल्लाह हम दुनिया में इज्जत वाले बन के बैठे हुए हैं। या अल्लाह कयामत के दिन हमारी बुराइयों पे हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दे। या अल्लाह हमें रुसवा न कर। या अल्लाह हमें रुसवा न कर। या अल्लाह हम इस हालत में तेरे पास आए कि तू हमसे राजी हो जा। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। या अल्लाह तू हमारी माल को हमारे औलाद को हमारे लिए फितना ना बनाना। या अल्लाह दीन पे आने के बाद हमें दीन पे इस्तकामत देना, हमारे दिलों में टेढ़पन ना डालना। या अल्लाह हमारे दिल से तकब्बुर गुरूर रयाकारी हर किस्म के ऐसे जज्बे को निकाल देना। या अल्लाह हमें नमाज कायम करने वाला, जक़ात देने वाला, अपने बहन भाइयों की मदद करने वाला बनाना। या रब्बुल इज्जत या गफूर रहीम जितने लोग बीमार हैं उन्हें सेहत कामला अता फरमाना। या अल्लाह हमारे दिली जाहिरी बातनी और जहनी बीमारियों से हमें शफायाब करना। या अल्लाह तमाम लोगों के वालिदैन को सेहत कामला अता फरमाना। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना। या रब्बुल इज्जत या गफूर रहीम दीन के रास्ते पे चलते हुए जो हमने कोशिश की है इसे कबूल फरमाना। या अल्लाह कोई गलती कोई कोताही होगी वो सरासन मेरी वजह से मेरी खताओं की वजह से। या अल्लाह उसमें मेरी पकड़ ना फरमाना। या अल्लाह भूल चूक को माफ फरमाना। या अल्लाह इस कोशिश को अपने अपने लिए कबूल फरमाना। या अल्लाह या गफूर रहीम जो दुआएं मांगी हैं वो कबूल फरमाना, जो नहीं मांग सके वो भी कबूल फरमाना। या अल्लाह रमजानुल मुबारक आने वाला है, या अल्लाह हम सबको बेहतरीन तरीके से रोजा रखने की तौफीक अता फरमाना। हमें सेहत देना कि हम बहुत अच्छे रोजे रख सके। या अल्लाह जितने लोग हज करना चाहते हैं उन सब के हज के लिए आसानियां करना, उनको हज करने की तौफीक अता फरमाना। या रब्बुल इज्जत या गफूरुर रहीम हमें बख्श देना, हमसे राजी हो जाना और हम पे अपना रहम जारी रखना। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته